अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेबी सईद पॉडकास्ट, शायरों वाला लड़का एंड किताबों वाली कहानियाँ। माशाल्लाह आप लोगों ने पहले पॉडकास्ट पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और भर भर के डीएम किया कि शायरी वाले लड़के को बुलवाओ, शायरी वाले लड़के को बुलवाओ। तो आज हमारे गेस्ट वही हैं, मैंने उनको इन्वाइट किया है पॉडकास्ट पर, और आप लोगों के जितने भी सवाल थे कि उनके रियल लाइफ के बारे में आज हम उनसे पूछेंगे, उनके उरूज और जवाल के बारे में पूछेंगे, अभी जो उनकी लाइफ चल रही है उनके बारे में पूछेंगे, और काफ़ी सारे सवाल करेंगे जो आप लोगों ने मुझसे डीएम में पूछा है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थ्री टू वन, शायरों वाला लड़का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शुभे, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अपना दूसरा एपिसोड, 3 2 1, फैजी भाई बच्चू निकल। मैं भाई क्या निकल, ये कोई तरीका आपने कोई नया ट्रेंड सेट कर दिया, 3 2 1, वो टिकटॉकर जो है क्या नाम है उसका, 3 2 1 प्ले। हां तो आप भी वही स्टार्ट कर दिया। नहीं 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 यार, इंट्रोड्यूस तो तरीके से होता है ना। फर्स्ट पॉडकास्ट पे आप इज्जत दीजिए ना, आप गेस्ट बोल के इंट्रोड्यूस करवाए, फर्स्ट दीजिए गेस्ट को। फर्स्ट पॉडकास्ट में आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया था, कोई जरूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है यार, और पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दिखाया हमें, और मेरा मानना शुरू से यही रहा है कि अगर कोई बात अगर आपको अपनी कायनात में कहीं पे ही पहुँचानी है ना, तो बस आप उसको छोड़ दीजिए, वो बातें अपनी मंजिल पर पहुँच जाती हैं। आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए चीज़ों से कि वो चीज़ें इतनी हिट होनी चाहिए कि आपको लोग पहचानना शुरू कर दें। मैंने आपको पहले ही पॉडकास्ट में कहा था कि मुझे ज़्यादा की चाहत नहीं, मुझे सिर्फ सुनने वाले चाहिए, और माशाल्लाह मुझे वही सुनने वाले मिले। मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने मोहब्बत दिखाई हमें, और आप लोगों ने सवाल जो पूछे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ी बहुत शायरी भी कर लेंगे, और साथ ही साथ आज हमारे साथ शोएब भाई शायद भूल गए, हमारे साथ जो दो लड़के मौजूद हैं जो हमारे साथ कैमरे सेंड पे हैं, उन लोगों का कैमरा मैं तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि वो लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत करीबी हैं हमारे लिए, क्योंकि होते ना कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही मौजूद हैं जो एक कॉल पे आपके लिए हाजिर हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं मेरे लाइफ में अभी भी, और मैं अल्लाह का शुक्र गुज़ार हूँ कि ऐसे लोग अल्लाह ने मुझे दिए हैं। तो मैं उन लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा आप लोगों से, और इंशाल्लाह उनके बारे में हम बात करेंगे। और शेख भाई कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आपने मुझे वो पहली वाली बात याद आ रही ना कि यार एक घंटे का पॉडकास्ट और देखिएगा, ठीक है? तो आपने कहा था नहीं फैजी भाई चलेगा। वन के लोगों ने देखा, और माशाल्लाह से वन के हूँ मैं, वही अभी भी ये बात नोट कर रहा हूँ कि एक घंटे का अब लगाओ 59 मिनट पे लगाओ कि कौन देखता है, अब पूछो लोगों से 59 मिनट में क्या हुआ, अगर मेरे सच्चे फैन हो तो सही है, अच्छी बात है, और माशाल्लाह से अल्लाह का करम है, लोगों ने देखा, लोगों ने सुना, मुझे लोगों ने डीएम्स की यार आपकी पोइट्री और आपकी स्ट्रगल लाइफ बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत, तो उस वक्त के लिए खूबसूरत नहीं थी, लेकिन हाँ अब फील होता है तो लगता है कि हाँ वाकई में काफ़ी खूबसूरत रही है, क्योंकि उस जोन से मैं बाहर निकल चुका हूँ। अब मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ मौजूद है, दोस्त मौजूद है अच्छे, मेरी फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी मजबूत है, और सपोर्ट करने वाले सबसे बड़ी बात रही है कि मेरी फैमिली, मेरे खानदान वाले मुझे सपोर्ट करने वाले, तो अच्छा लगता है अब मुझे। अब मैं इन द लाइफ फर्स्ट टाइम ये बात कह सकता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, हैप्पी हूँ। तो शुक्रिया आपका, आपने मुझे दोबारा बुलाया, और आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोगों ने शेबे को मैसेज किया दोबारा। आज अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ, आप रियल लाइफ में कैसे हो, जैसे पहले थे या अभी चेंज हो, शायरी से हट कर बताना। शायरी से हट के तो शेफ़ी माधव के साथ मैं आपके साथ आना चाह रहा हूँ। शायरी से हट के तो शायद एक्चुअल में मेरा नाम जो है ना, मैं उसी हिसाब से हूँ, मेरा नाम है फैजान, तो इसका लफ्ज़ी मतलब जो है ना इस्लाम में वो है बहता हुआ पानी, और फैज पार्टी में वाला मेरा शुरू से ही रहा है कि बस गो विद द फ्लो, जैसे पानी अपना रास्ता बना लेता है ना, मेरी बातें और मेरे जो भी मामला है ना वो मैं अपना रास्ता खुद बना ही लेता हूँ, अल्लाह साथ दे देता है मेरा, बेशक को बड़ा बुरा साथ देने वाला है। तो मैं एक्चुअल में वही हूँ जैसे मैं अभी हूँ,
पर रियल लाइफ में और रियल लाइफ में, रियल लाइफ ही कहेंगे इस तरीके से कि यहाँ वीडियो शूट हो रही है, पब्लिक देखेगी हमें, एंग्जाइटी भी होती है कभी कभी कि यार पता नहीं लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, पर मुझे इससे कभी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि जैसा मैं हूँ वैसा मैं हूँ, तो मैं जैसा हूँ मैं वैसा अभी भी हूँ। शायरी से हट के अगर आप पूछना चाह रहे तो शायरी से हट के फैजान की कोई पहचान नहीं, क्योंकि दिल टूटता है ना जब, तो लोग शायर भी बन जाते हैं। और एक बहुत लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि यार रवि भाई आप ना मुस्कुराते क्यों हैं, तो मुझे एक बुजुर्ग ने एक बात कही थी, बहुत खूबसूरत बात कही थी शो पे, कि शायरी उन्हीं के लबों पे जचती है, कि शायरी उन्हीं के लबों पे जचती है जिनकी आँखों में इश्क रोता है। हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे रोने के लिए बहुत सारी वजूहत है मेरे पास, जो मैं पर्सनल लाइफ में या फिर रियल लाइफ में रोता तो नहीं हूँ, बहुत कम रोया हूँ, अपनी माता के लिए छोड़ने के रोया हूँ बस, उसके बाद मैं कभी रोया नहीं। हाँ वो 6 साल वाली जिसका आपसे जिक्र भी हुआ था, आप लोगों को ही बताया गया, तो एक अटैचमेंट हो जाती है, उसको रो दिया था काफ़ी, तो हो गया फीलिंग आ गई। हाँ फीलिंग फीलिंग देखें, आप मेरी बात को एक समझिए कि लड़की तो चले जाती है लेकिन वो अपने साथ जो है ना वो यादें छोड़ जाती हैं आपके साथ। आप लड़की को तो भूल सकते हो लेकिन भैंस की टांग आप वो नहीं भूल सकते कि जिसके उसके साथ जो आप पार्क में गए, उसके साथ आप किसी कैफे में गए, उसके साथ हाँ चले आप डेट कह लें, मॉडर्न डॉन के लिए आप डेट कह लें उसको, मॉडर्न लोगों के लिए आप उन चीज़ों को नहीं भूल सकते। राहत इंदौरी का बहुत खूबसूरत शेर है कि हाथ खाली है तेरे शहर में जाते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जहाँ होती तो जहाँ भी लुटाते जाते, अब तो इस शहर का हर पत्ता मुझे जानता है, अब तो इस शहर का हर पत्ता मुझे जानता है, एक उम्र गुजार दी है तेरे शहर में आते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते। तो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, और ये वाकई में यार आप हर चीज़ तो भूल सकते हो, आदत ख़त्म नहीं, आदत भी ख़त्म हो जाती है आपकी, आप भूल जाते हो ठीक है, तो पर जो इंट्रैक्शन आप उनके साथ जो यादें जुड़ जाती है ना, आप उसके साथ एक कैफे में गए ठीक है, आप फिर अपनी फैमिली के साथ उस कैफे में गए, तो वो यादें आपको टीज कर देती है जी कि यार आप इसके साथ वहाँ गए थे, आप इसके साथ देख गए थे, तो यादें आपको कहीं ना कहीं मजबूर कर देती है ये सारी चीज़ें। तो हाँ याद आती है कभी कभी, अभी आपको अगर आपकी जान तो मैं थोड़ी अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करना चाहूँगा, तो अभी हाल फिलहाल की बात है, हाल फिलहाल क्या 6-7 महीने हो गए, इसको हाल फिलहाल तो नहीं कहेंगे, 6-7 महीने गुजर चुके हैं इस बात को, 6-7 महीने पहले ही मेरी जो 6 साल की मोहब्बत थी। अच्छा कुछ लोगों को नहीं पता तो यही बता दूँ कि उसका कमेंट भी आया हुआ था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, शेर भाई ने मुझसे कहा था कि आपकी बात पहुँच जाएगी, और शायद शेर भाई की कॉन्फिडेंस को मैं सलाम करता हूँ कि शेर भाई ने कहा कि आपकी बात पहुँच जाएगी वहाँ तक, और पहुँची वहाँ तक, तो उसका कमेंट भी आया हुआ था। और अच्छा उससे पहले मैं ये बात बताने वाला था अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कि 6-7 महीने पहले जब मैं उसके बाद फर्स्ट टाइम 6-7 महीने पहले उसकी कॉल आई, उससे मुझसे सवाल किया कि क्या तुम्हें वो शाम याद है तो हम पहली दफ़ा उस पार्क में मिले थे, हाँ मुझे याद है, मुझे कहा नहीं तुम झूठ बोले तो मुझे याद नहीं, नहीं मुझे याद है तो कुछ ना पूछ लो मुझसे, मेरी सारी चीज़ें याद है, कहने के लिए तुम झूठ बोल, उसने ये बोल के कॉल कट कर दिया। अच्छा ये काफ़ी टाइम बाद मैं उससे फर्स्ट टाइम मिला हूँ 2016 या 2017, हाँ 2016 में मिला हुआ उससे, फर्स्ट मुलाकात 2016, और हमारे साथ जो हमारे वालिद सर हैं जो हमारे कैमरा मैन भी हैं उनको वो सारी चीज़ें पता है कि मैं उससे कहाँ मिला था कहाँ नहीं मिला था। फर्स्ट डेट कह लें कि आप बस एक फर्स्ट इंट्रैक्शन कह लें आप उसको, तो उस वक्त मैं लिखना शुरू भी नहीं किया था सही से, मैंने उस टाइम एक बात एक पोइट्री लिख के रखी थी कि अब देखिए उसने ये सवाल कर लिया मुझसे कि वो शाम तुम्हें याद, अब एक नॉर्मल इंसान होता तो इसी तरीके जवाब देता कि वो शाम मुझे याद है तुम्हें जो पूछना है पूछ लो, मैंने भी उस टाइम वही जवाब दिया कि वो शाम मुझे याद है और जो पूछना है पूछ लो। अब देखें कि उस शायर उस सवाल का जवाब कितनी खूबसूरती के साथ देता है, शायर एज अ शायर अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, तो एज अ शायर मैं किस तरीके से जवाब देना चाहता था जो मेरे पास मैं नहीं दे सका उस टाइम पे, मैं नहीं दे सका,
अच्छा लोग अब पूछेंगे कि आप मोबाइल में क्या खोल रहे हो, तो ये मेरी पर्सनल डायरी है मेरे मोबाइल में, जिस पर मैं अपनी शायरी लिख के रखता हूँ। तो काफ़ी पुरानी शायरी है, तो ये मैंने उस टाइम पे लिखा हुआ था कि वो शाम तो मुझे याद है, क्योंकि उसका सवाल आया था वो शाम तो मैं याद है। अब उसका शायर कैसे जवाब देता है इस बात को आप समझिए, कि वो शाम तो मुझे याद नहीं, वो शाम तो मुझे याद नहीं, पर मुझे याद है मेरे हाथों में तेरा हाथ अब भी, पर मुझे याद है मेरे हाथों में तेरा हाथ अब भी, मुझे याद है वो अरमे में महसूस होता तेरा साथ अब, मेरे होठों को तेरी गालों की नरमी का एहसास आज भी, मेरे होठों को तेरी गाली की नरमी का एहसास अब भी है, मेरे सांसों को लगता है तू मेरे पास अब भी है। आप खूबसूरती को समझिए, वो मेरा हाथ पकड़ते ही तेरा यूं बेफिक्र हो जाना, वो मेरा हाथ पकड़ते ही तेरा यूं बेफिक्र हो जाना, वो मुझसे निगाहें मिलाते ही तेरा यूं बेजिक्र हो जाना, वो मेरे लिए जो उठी थी तेरी उस दिन नज़र वो सब याद है मुझे, वो मेरे लिए जो उठी थी उस दिन तेरी नज़र याद है मुझे, मेरी उंगलियों ने जो किया था तेरी मुलायम जुल्फों का सफ़र याद है मुझे, मेरी उंगलियों ने जो किया था तेरी मुलायम जुल्फों का सफ़र याद है मुझे, वो हर एक लम्हा वो हर एक मंजर वो हर एक शरारत वो हर एक गुस्ताखी वो हर एक फरियाद वो हर एक गुफ्तगू वो हर एक पल जो इश्क का जिया था तेरे साथ याद है मुझे, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है वो शाम मुझे याद है, सिवाय इश्क किया कोई काम मुझे याद नहीं, तो क्या तेरे सिवा कोई खास व आम मुझे याद नहीं, फिर क्या फ़र्क पड़ता है वो शाम मुझे याद नहीं। लाइन्स देखें, इसमें ना शायर कोई भी लेखक लेखक कहते हैं लिखारी को जो राइटर कह लें उसको, राइटर इससे ज़्यादा अपना कलेजा निकाल के नहीं रख सकता पेपर पे, और इस पे कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो मैंने अपना कलेजा रखा हुआ है, जो मेरे पर्सनली तौर पर कि मेरे उंगलियों ने तेरे मुलायम जुटकों का सफ़र, वो एक हवा चली थी हम साथ में बैठे रहे, तो मैंने उसके बाल को उठा के कार के पीछे मेरे पास सामने आ गए, बात कर रहे थे आपस में, बात को पीछे मैंने उस बात पे लिखा है कि मेरी उंगली ने जो किया था तेरे मुलायम जुटकों का सफ़र हो गया, ये मेरे पर्सनली बुरा करी है क्योंकि मैं उसमें अपनी रियलिटी लिखा हूँ, और ऐसी बहुत सारी रियलिटी जैसे मैंने अभी आपके हाल फिलहाल कमेंट्स पर लिखा हुआ था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी थी आपको सुनाने के लिए, तफाक ऐसा कि माजद के साथ मैं प्लास्टिक की मार पड़ा हुआ तो मैं आगे से ना हुआ रिकॉर्डिंग, तो उसके बावजूद मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी हुई जो रियलिटी बेस पर हो, आप इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है आपको, और मेरे लिए तो वो अदाब होने वाला, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसे फील हो रहा है कि बात देखने के लिए शेख भाई, बात दरअसल ये ना मैं अब जो बातें आज करने वाला हूँ ना वो मेरे पर्सनली बहुत करीब, और पर्सनली करीब होने के बावजूद मैं अगर वो बातें खुल के अगर सामने रख रहा हूँ ना तो मुझे पता है कि अभी तो मैं वो बातें कर दूँगा लेकिन रात में वो यादें बातें मुझे कर पाएंगी, तो आप करें सवाल, आप मुझे सवाल करें। फैजी भाई आपके फैमिली में कौन कौन है, अपने फैमिली के बारे में बताएं। फैमिली में कुछ लोग जानते भी हैं कुछ लोग नहीं भी जानते, फैमिली में मेरे वाले साहब हैं जो मेरे कुल कायनात है मेरे लिए, और तीन लविंग सिस्टर हैं मेरी मौजूद माशाल्लाह से, एक मैरिड है, तीन भाई हैं मेरे मुझे मिलाकर इंक्लूडिंग, मैंने अब तीन भाई तीन बहनें और वाले साहब है, और वालदा मेरी गुजर चुकी है चार साल हो गए 2018 में की तरफ, तो अच्छी फैमिली है मेरी माशाल्लाह से, लेकिन वाले साहब मेरी वालदा के जाने के बाद मेरे वाले साहब ने हमें वालदा की कमी का महसूस नहीं होने दिया और बहुत अच्छी तरीके से हमें जोड़ के रखा, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं मेरे वाले साहब मुझे और मेरी पूरी फैमिली को, सिर्फ मुझे नहीं मेरी पूरी फैमिली को सपोर्ट करना माशाल्लाह से, अल्लाह पाक उनको और हिम्मत और ताकत दे, मेरी दुआएं के साथ में अल्लाह हमेशा उनके लिए दुआएं करता हूँ कि अल्लाह उनको कामयाब करे, यही मेरी छोटी सी फैमिली, कोई इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, बाकी माशाल्लाह से मेरी दूसरी फैमिली भी है जो मेरे दोस्तों से पूरी होती है, अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे दुख कर दी है, कहते हैं ना कि अगर आपसे कोई अल्लाह कोई आपसे करीबी चीज़ देता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें देता है, तो अल्लाह ने जब मुझे मेरी वालदा को दूर किया तो मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो मुखलिस दोस्त हैं मुझे जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं,
उस चीज़ के लिए भी हुई। मैं उनको अपने दोस्त नहीं कहता, वो मेरी फैमिली है। घर पे तो मैं बहुत कम ही रहता हूँ, मैं ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, अपने शॉप पे रहता हूँ। ये मेरी निजी लाइफ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको तो पता ही है, तो फिर जिन लोगों ने पूछा ही उनके लिए है। मैं आपसे फिर भी एक पर्सनली सवाल करना चाहता हूँ, ये मेरा सवाल है, कोई डीएम वगैरह से सवाल नहीं है। इसके पैसे लूंगा क्यों, जाती सवाल है ना। चले सवाल की तरफ आए, आप जो इतनी डीप लाइन लिखते हैं किसके लिए लिखते हैं? कौन है वो बदनसीब जो आपको छोड़ के गई, और आप इतने अच्छा शेर व शायर करते हैं। अभी आपने एक शेर सुना माशाल्लाह काफी अच्छा था वो, तो आज आप उसका नाम बता ही दें। ये मेरा एक पर्सनल सवाल है और मुझे इसका जवाब चाहिए। नहीं है कोई, अब जैसे मौसम होता है ना, आज नाम चाहिए, कोई नहीं। विंटर होता है, समर होता है, मौसम चेंज होते रहते हैं, इंसान चेंज होते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि लड़कियां मेरी लाइफ में चेंज हो रही है, सब कुछ नहीं है। कोई हर कोई नहीं जानता उसके बारे में, मेरी फैमिली जानती है सिर्फ उसके बारे में। मैं नाम तो नहीं ले सकता, नहीं मुझे आज नाम से मैं नाम नहीं ले सकता शेर भाई माजर के साथ, क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे गवारा नहीं करता कि मैं किसी का नाम कोई। और उसने दिल तोड़ा तो मैं उसका शुक्रगुजार, दिल से शुक्र, दिल से शुक्रगुजार हूँ उसका, क्योंकि उसके छोड़ जाने के बाद मैं शायर बना। एक टूटे हुए दिल से जो शायरी नहीं करती है वो बहुत क्लासिक होती है, क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि शायरी उन्हीं के लबों पे जचती है जिनकी आंखों में इश्क होता है। तो शुक्रगुजार हूँ मैं उसका दिल से कि उसने। अच्छा आपको मैं अपनी बारे में बात बताता हूँ, मैं अल्फाजों से डरने वाला लड़का था, लफ्ज़ों से डरता था, किताबों से कहानियों से मैं डरता था। पर उसके जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतना अच्छा लिख सकता हूँ। उसका शुक्रगुजार मैं इसी लिए हूँ कि उसने मुझे हर एक चीज़ मुझे, मैंने अभी लास्ट टाइम पॉडकास्ट में भी आपको यही बोला था कि ब्रेकअप हमें चीज़ें सिखाती है, उसके जाने के बाद उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। उसका शुक्रगुजार नहीं चला कोई मसला नहीं है। अल्लाह मैं उसके लिए दुआ गुजार हूँ कि अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में और अच्छे मामला रखे, अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में और खुशियाँ वाली ज़िंदगी भर दे। तो आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई कि अच्छा आज मुझे ये पता कि मैं पर्सनली जा सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, इसीलिए तो आपको बुलाया पॉडकास्ट में। जैसे लोगों के सवाल भी आ रहे हैं तो मुझे मैं थोड़े गज़ल वाले उस पर चला जा, मैं गज़ल वाले मूड पे जा रहा हूँ ना। मसला सारा यही कि मैं अगर गज़ल वाले मूड पे चला गया, अगर मैं अपने जोन पे चला गया ना, तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ें खुल के बयान कर दूँगा शायरी में बस। तो और मैं शायरी का मतलब ये होता है कि यार आप सिर्फ कहते हैं ना कि आप एक इशारा दे देते हो, बाकी समझने वाला समझ जाता है कि किसके लिए ये बातें हो रही हैं। शायरी इज़ ऑल अबाउट, एक तो आंसर है कि आपको जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि अगर मैं आपके बारे में शायरी में कुछ लिख रहा हूँ तो आपको उसके जवाब मिल जाते हैं, ठीक है। ये पॉडकास्ट तो भी लाजमी, हाँ कमेंट शायद है, जैसे आपने सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट उन्हीं का है। आप लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे एक नाम दिया शायरी वाला लड़का, जो मुझे टाइटल आपका था, बिल्कुल शुक्रगुजार। लेकिन लोग मोहब्बत तो लोगों की थी ना, जो लोगों ने बन के तक सबसे ज्यादा मोहब्बत वो 6 साल वाला था। प्लीज 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 फेजी को बुलवाओ। अच्छा मैं उस बारे में आपको यही बताना चलूँगा अगेन, अभी शायद मैंने आपको बता दिया कि उस बारे में मैंने ये बता दिया कि वो मेरी 6 साल वाली मोहब्बत थी जिसने मैसेज किया था, कमेंट्स किया था अलबत्ता कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज फैजी को बुलाओ, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब रह चुकी है और उसको पता है कि इस लड़की के पास कहने के लिए बहुत कुछ है कि अभी खुल के नहीं बात करें। आप मेरे साथ रहे हैं, आपको ही पता है कि मैं ऑफ एयर कितनी बातें करता हूँ, मैं क्या क्या बात कर जाता हूँ। बस अभी स्ट्रीम चल रही है, मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो होता है ना कि यार वो वही वाली कहानी जो मैसेज आ रहा है, पर्सनल मैसेज आ रहा था, ग्रुप में मैसेज आता, तुम्हारे तो खानदान का पता नहीं ग्रुप बना नहीं बना, पर हमारे खानदान का ग्रुप बना, हमारे खानदान में मैसेज आ रहा था फौरन, ये बात की है फैजी ने, ये बात की है खानदान से दूर रखो, अगर खानदान से दूर से मतलब ये नहीं कि मैं अपने खानदान वालों को गलत गलत नहीं,
गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि बस खानदान की बात नहीं करना। संडे को ये पॉडकास्ट अपलोड होगा और शाम में इनकी घर में खिंचाई होगी। खिंचाई तो नहीं है, हाँ वाली साहब कर सकते हैं, बस इसके अलावा और तो कुछ नहीं बोल सकता। कि ये पॉडकास्ट में क्यों था? लेकिन नहीं, खानदान के बारे में आपको भाव बताना चाहूँ कि उसमें से एक कमेंट्स मैंने खुद रीड किया है, उसमें एक कज़न का ही मेरा मैसेज आया हुआ था और स्ट्रगल ऑफ लाइफ के बारे में उन्होंने खुद बताई थी कि उन्होंने मेरे साथ अच्छे बुरे हालात देखे हैं। शेख मोहम्मद शाहिद आर्मी में होते हैं वो, और JHQ हेडक्वार्टर कराची में ही है अभी फिलहाल। और उन्होंने अच्छा, वो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कज़न भी हैं और मुझसे काफ़ी बड़े मैरिड है माशाल्लाह से, एक बेटी है उनकी माशाल्लाह से, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी और खुशियों भरा कर दे, और बहुत प्यारी भाई बेटी है उनकी, मेरी भतीजी बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, अल्लाह पाक उसको नजर बच्चे बचाए, और भाभी बहुत अच्छी है, बहुत केयर करने वाली है। मुझे आइडिया भी नहीं था कि अभी हाल फिलहाल सैटरडे नाइट को मैं अपने कज़न के घर पर गया हुआ था, वहाँ बैठे हुए थे हम लोग और वहाँ पे वही बातें चल रही थी कि पॉडकास्ट देखा हमने, तुम्हारा पॉडकास्ट देखा हमने, तुम्हारे पास बहुत अच्छी बातें कर, तो मुझे नहीं आइडिया था ना। अच्छा एक वक्त ऐसा था ना, मैंने अपनी लाइफ में एक वक्त ऐसा गुजारा कि लोगों ने, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनके बारे में नहीं बता रहा था, उन लोग कुछ लोग ऐसे थे मेरी लाइफ में जो अभी क्या ही कर ले, ये लड़का क्या ही कर ले, ठीक है ये लड़का क्या ही कर ले। तो मैंने फिर जब ये बातें मैंने सुना, मुझे एक खुशी होती है, मैं ठहरा शायर आदमी, लफ्ज़ों में हर चीज़ को तोलने वाला बंदा, तो मैंने फिर उस बारे में ये लिखा कि जो कहते थे कि लड़का ये क्या ही कर लेगा अकेले, इस नक्शे को कैसे समझेगा, क्या खूबसूरत लाइन, वो बैठ के टीवी के आगे अब कहते हैं ये लड़का चलेगा, क्योंकि वो अब मुझे अप्रिशिएट करते, यार भाई भाई मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी यार, आप तो माशाल्लाह आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, आप लोगों को प्रीच बहुत अच्छा करते हैं। आज इन दी एंड अभी इस पॉडकास्ट के एंड तक आप जुड़े रहिएगा, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे कल्चर के बारे में, और अभी हाल फिलहाल एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है हमारे मोहल्ले में, मैं उसके बारे में ही बात करना चाहता हूँ, और मुझे पता थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी वीडियो, लेकिन मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ। मैंने हाल फिलहाल ये बात कही थी आप लोगों से कि ब्रेकअप को हैंडल करना सीखो, हार को फेस करना सीखो, मुझे इस बात का रिग्रेट है कि यार वो वीडियो उस लड़के तक नहीं पहुँची, मुझे अफसोस है इस बात का, मैं दिल से इस बात का अफसोस कर रहा हूँ कि वो वीडियो अफसोस के साथ उस लड़के तक नहीं पहुँचे और वो लड़का हमारे बीच में नहीं गया। तो इसके बारे में एंड में बात करेंगे, तो एक रिग्रेट लेके बैठा हूँ दिल में, क्योंकि मुझे अल्लाह ने वो एबिलिटी दी है कि मैं लोगों के दिल को छू सकता हूँ, मुझे अफसोस इस बात का रहा ना कि शिव भाई के ये बातें उस तक पहुँची या मैं उस लड़के से मिला, उस लड़के से मिलता तो शायद मैं उसको सही गाइड कर सकता। खैर अल्लाह पाक सब्र दे उसकी फैमिली को, जो बुरे हालात चल रहे हैं उसके घर पर अल्लाह पाक सब्र दे। क्या उसका क्या मसला? देखिए 10 मुंह 10 बातें होती हैं, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन उस लड़के ने सुसाइड कर दिया। ज़्यादा बड़ा भी लड़का नहीं है, 18-19 साल का लड़का, ये मोहब्बत के चक्कर में। देखिए जो भी मामला आते हैं मुझे खुल के नहीं, मुझे 10 लोगों से 10 बातें पता चली, अब क्या सदाकत है क्या नहीं, जज करने का कोई नया तरीका हम तो नहीं बना सकते ना। अब जब तक मैं उसकी फैमिली से ना मिलूँ तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ, आप किसी और से कुछ बातें करोगे, वो किसी और से कुछ बातें करोगे, ठीक है, तो इस तरीके से बात बिगड़ती है, लेकिन गलत हुआ जो भी हुआ गलत हुआ, खैर बस छोड़े अब नहीं करें बारे में बात, तो बेहतर है क्योंकि मुझे भी अफसोस हुआ, वो आपको तो अफसोस हुआ, पर जहाँ मेरी शॉप है उसके 2 गली के बाद चढ़ गया घर, तो खैर अल्लाह पाक रहम फरमाया और करम करे उसके साथ, उसके सारे मामला कवर पे सारे अच्छे करे उसके साथ। अपने फैमिली के बारे में पूछा मैंने बता दिया आपको, आपने पूछा दीप ठाउस के बारे में कौन है, नाम तो नहीं बता सकता था, ये सारी चीज़ें हैं बस, बहुत कुछ है अभी कहने के लिए। हाँ एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पर्सनल चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं स्मोकर लवर, मैं स्मोक करता हूँ, ठीक है। अच्छा ये नहीं कि ब्रेकअप के बाद मैंने स्मोक की, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ब्रेकअप से पहले से स्मोक करता हूँ, एक नेचुरली हैबिट है मेरे साथ,
मुझे पता है मेरे खानदान वाले देख रहे होंगे, मुझे बाद में फिर मैसेज करेंगे कि यार ये चीज़ें पर्सनल होती है, इसको देख रहा। मैंने कभी डिफरेंस नहीं रख ला, नहीं रखा इस चीज़ के लिए कि यार मेरी पब्लिक लाइफ अलग है, प्राइवेट लाइफ अलग है। प्राइवेट लाइफ में सिर्फ मेरी फैमिली अलग है बस, बाकी जैसा मैं हूँ ना वैसा मैं। मुझे फेक दिखावा नहीं आता, मुझे ये दिखाना नहीं आता कि यार मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत कूल हूँ, जैसा आपकी फैमिली को पसंद आए मैं वैसा लड़का हूँ। नहीं, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। मैं स्मोकर हूँ तो मैं स्मोकर लगा। मेरी लाइफ में जो लड़की थी ना, तो वो जब भी मुझसे मिलती थी ना, मैं सिगरेट पी रहा था तो वो सिगरेट को तोड़ दिया। उससे यही कहता था कि यार क्यों तोड़ती उसकी, वो हंसती थी। और मैं उसे यही कहता था कि यार पैसा भी बर्बाद हो रहा है, नशा भी बर्बाद हो रहा है। मैंने उस टाइम पे ये बात लाइन लिखी थी कि नहीं था ध्यान कुछ तोड़ते हुए सिगरेट, नहीं था ध्यान कुछ तोड़ते हुए सिगरेट, मैंने तुझको छोड़ दिया छोड़ते हुए सिगरेट। कि नहीं था ध्यान कुछ तोड़ते हुए सिगरेट, मैंने तुझको छोड़ दिया छोड़ते हुए सिगरेट। तू मुझे, मैंने उससे पूछा तू मुझे छोड़ के क्यों जा रही है, मैंने उससे पूछा कि मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो। तो वो धीरे से पलटी और मुस्कुरा के बोली, फजी तेरी ये सिगरेट। क्या खूबसूरत लाइन से यार। अच्छा, मेरा ब्रेकअप लाइक बहुत बड़ा जो इशू रहा है ना, वो स्मोक ही रहा है। वो मैं शुरू से मना करती रही स्मोक, और मैं लोगों से यही कहता हूँ कि स्मोक नहीं किया करें, नहीं किया करें। मैं खुद एक हैबिट है मेरी, मैं लग चुकी है, हैबिट को नहीं बोलेंगे आदत छूट जाती है, लत जो लग जाती है ना वो लत नहीं छूटती। तो मुझे लत लग चुकी है, छूटना मुश्किल नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, नामुमकिन कुछ। पर जिस दिन होगा छोड़ दो। अच्छा, मजे की बात तो ये कि मैंने अपनी फैमिली से कभी नहीं छुपाया कि मैं स्मोक नहीं करता या स्मोक करता हूँ। मेरी फैमिली को पता है कि मैं स्मोक करता हूँ, मेरे वाले साहब को ही पता है, मेरी माता जब हयात थी उन्हें भी पता था, मेरे भाइयों को ही पता है, मेरी सिस्टर को ही पता है कि मैं स्मोक करता हूँ। तो पता है उन्हें सारी चीज़ें, तो इस वजह से मुझे कभी टेंशन नहीं हुई ना कि यार लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं रही। आते हैं फिर देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। फैजी भाई, मैं आपसे माजरा चाहता हूँ कि हमारे जो कैमरामैन है वारिस भाई, एक हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, तो वो आना चाहते हैं इधर कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बुला लें। और पहली बात तो ये, वो कैमरामैन नहीं है, वो दोस्त है हमारा, ठीक है। तो मैंने ये भी कहा है दोस्त है हमारा, आपने पहले उसे कैमरामैन बोला, तो कैमरे के पीछे खड़े हैं। हां, कैमरे के पीछे खड़े हैं वो। और जिस तरीके से आप मुझे जानते हैं ना, आपसे कहीं ज्यादा वो मेरे क्लोज है, और वो आएगा तो मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली खुशी होगी कि वो आए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ, आपने फिल्म में बुलाया मुझे, इज्जत दी। और सबसे उसके बाद जो आपकी इज्जत के अफजाई के बाद, मैं आपके फैमिली का भी वो करूँगा कि आपने मुझे अपने महफिल में दावत दिया, इतना मोहब्बत दी। तो और एक बात और बताना चाहूँगा कि ये होती है दोस्ती, कि शुएब भाई हमारे मेरे एक इशारे पे समझ गए कि वारिस भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, अपना एक शायरी पेश करना चाह रहे हैं। शुएब भाई बिस्मिल्लाह से, मैं आपको बता दूँ फैजी भाई, जो आप तो जानते हो कि मैं शायरी तो करता नहीं हूँ, पर पढ़ लेता हूँ। आपने हमारे उस्ताद रह चुके हैं, बहुत अच्छे लेखक थे शुएब भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। आप तो क्लोज हैं ही हैं हमारे गैदरिंग के साथ, लेकिन मैं जो है फैजी भाई के साथ, जैसे अभी ये बताएं, बिल्कुल 12 घंटे में इनके साथ रोजाना डेली बेस पे रहता हूँ मैं। तो मुझे काफी चीजें बहुत पर्सनली भी पता है, और काफी चीजें ऐसे भी नॉर्मली भी पता है। मैं एक बात और ऐड करता चलूं, जो मुझे कुछ चीजें नहीं भी समझ में आती है ना, जैसे मैं अभी हाल का एक पोएट्री लिख रहा था, और उसका मुखफ्फफ जो उसका टाइटल है ना, वो कहिए कि अब तुम मेरी जिंदगी में वापस आना मत। वो कुछ मेरे पर्सनल स्टफ पे भी है, और उसको कंप्लीट करने में मुझे पूरे एक वीक लगा है। और मैं अभी हाल कल की बात है ना, मैं आपसे बात कर रहा था, वारिस भाई से बात कर रहा था कि वारिस भाई मैंने 2 हफ्ते में ना बहुत ज़्यादा पोएट्री लिख ली है। तो वारिस मुझसे कहता है कि भाई अब, बोले वारिस
अब जो ना एक डेढ़ हफ्ते के लिए मैं ब्रेक लूंगा पोएट्री से। भाई से बोला हाँ मुझे समझ में आ गया, क्योंकि आप रात भर जाग रहे होते हैं और आपको लिखने का मजा उसी वक्त आता है जब आप सिगरेट पी रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ यार मसला सारा यही है कि रात के चार चार पाँच चार बजे तक मैं जागा हुआ हूँ। रात को नहीं बेसिकली वो सुबह हो रही होती है, मैं जाग रहा होता हूँ सिगरेट पी रहा हूँ। फिर वो कल ही आपसे बात हुई ना, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा यार एक आखिरी पोएट्री कंप्लीट करनी है मुझे, बस वो कंप्लीट करने का। मैं उसी पोएट्री की बात कर रहा हूँ कि आप तुम वापस आना मत। मैंने उसका दो वर्जन लिखा है, ठीक है। एक वर्जन मैंने अपने अपनी लाइफ पे लिखा, एक वर्जन मैं चलो मैं बता देता हूँ मैंने एक वर्जन किसके लाइफ पे लिखा। एक वर्जन मैंने वारिस भाई के लाइफ पे लिखा है, ठीक है, क्योंकि 12 घंटे वारिस भाई मेरे साथ रहते हैं। और मजाक से हटके जिन लोगों को नहीं पता, वारिस भाई मेरे साथ सुबह जुड़ते हैं 12 बजे और रात के 12-1 बजे तक वारिस भाई मेरे साथ रहते हैं। दिन में 1 घंटे का वक्फा लेते हैं खाना खाने के या फिर कोचिंग जाना होता है इनको, तो कोचिंग जाते ही फटाफट पास खाते भी आदत लगी। बात बता रहे मजे की इंसिडेंट है कि अभी की जनरेशन की आदत है ना कि भाई जा रहा हूँ तू कॉल कर देना, बोला घर पे देना कुछ इमरजेंसी होगी फटाफट। छुट्टी दिलाने के लिए वारिस भाई का खाली एक जब वारिस भाई कोचिंग टाइम होता है ना 5 से 6 और उस दौरान अगर मिस कॉल आ गया आपको अलर्ट रहना है कि वारिस भाई को कॉल बैक करना है। वारिस काम कोचिंग को घर आ जाओ अम्मी बुला रही, वो मुझे छुट्टी लेना होता है। वो मिस बैल का मतलब ये होता है कि भाई छुट्टी चाहिए, क्लास में पूरी पढ़ाई नहीं। यार स्टडी में ऐसा नहीं किया करो, कुछ बातें करनी। अगर 7 से 8 क्लासेस होती मेरी, आप लोगों को पता है, अगर मैं 7:30 बजे उठ जाऊँ की सर मैं जा रहा हूँ, तो सर बोलेंगे शेफ इधर आओ तुमसे ना कुछ काम है। अच्छा जी, बस बैठ जाओ ना, वो लेक्चर देते 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 फिक्स 8 बज जाएगा तो बोलेंगे ठीक है बेटा आप जाओ। ये बता सीन होता है। चले अच्छी बात है। तो भाई भाई आप कुछ लाइंस चले मैं पेश करना चाहता हूँ, अपनी लिखी हुई है या देखकर? नहीं देखकर मैं बता रहा हूँ आपको, जो है शाहरुख सिद्दीकी साहब की है। एक शाहरुख सिद्दीकी साहब अगर आप कनेक्ट करते हो ना तो वो शायरी को शायरी नहीं वो स्टोरी टेलिंग कहलाते हैं, ठीक है। तो कौन सी शायरी कहना चाहते हैं आपको? सबसे पहले शायरी जो किया था वादा वो गलत नहीं था, मैं भी लेकिन इतना ज्यादा गलत नहीं था। मैं माना तेरे होठों के पास आया था लेकिन ये यकीन जान कि मेरा इरादा गलत नहीं। अरे है क्या खूबसूरत लाइन वाली मैंने उनका कहा है, लेकिन यार इतनी अच्छी डिलीवरी कर ले रहे हो मुझे नहीं कर। चले ये आपके बहुत खूबसूरत। देखिए अब शायर के ऊपर है ना कि वो शायर किस तरीके से अपनी स्टोरी आपको बता रहा है। जैसे शाहरुख सिद्दीकी साहब इमरान बहुत अच्छे हैं और बहुत यंगेस्ट शायर है, बहुत मशहूर और बहुत अच्छी बात। ज्यादा एज भी नहीं उनकी गालिब, 25-26 साल के हूँ, मेरी एज के मुझसे भी छोटे हैं। तो फिर समझ ले हाँ बूढ़ा क्या हो गया यार मैं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई क्या हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह जवान हूँ। तो बहुत खूबसूरत, देखिए शायर जो है ना जो लिखता है ना अगर लोग उससे कनेक्ट कर ले ना शायर के लिए सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है। मैं कुछ भी लिखता हूँ ना अगर उससे आप कनेक्ट कर रहे हो, बारिश कनेक्ट कर रहा है या लोग सुनने वाले कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए वो खुशनसीबी है कि हाँ यार लोग कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक पर्सनल स्टेप बताता हूँ, अभी हाल फिलहाल की बात है, मैं और बारिश भाई अपने शॉप को क्लोज करके मैं और बारिश भाई आ रहे थे, तो एक लड़का है हमारे पास विक्की नाम है उसका, तो वो हमारे साथ खड़ा हुआ था और उसने मुझसे वैसे ही मजाक के तौर पर पूछा कि यार गरीब भाई आपका पॉडकास्ट कब रिकॉर्ड हो रहा दोबारा। मैंने पूछा क्यों, कह रहा है यार आपकी शायरी सुनने में मजा आ रहा।
मैंने कहा यार शायरी तो हमने लिख के काफ़ी रखी हुई है, बारिश मेरे साथ मौजूद था। तो उसका छोटा सा भाई यामिन नाम है उसका, और उसने मुझसे डायरेक्टली ये बात कही कि भाई आप रैपिंग करें। ये तो मैं भी आपको हर बार बोल चुका हूं, बात सही है आपकी रैपिंग की, पर मुझे रैपिंग का इतना इंटरेस्ट नहीं। लिखते तो बड़ा अच्छा है। मैं लिखता हूँ, भले ही लिखता हूँ, और यकीन जाने मेरे लिखने को देख के ना उस लड़के ने ये बात बोली मुझे कि फैदी भाई आप एक काम करो, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खूबसूरती इस बात पे आई ना कि मैं लिखता था सिर्फ अपने लिए, मैंने कभी पैसे के लिए नहीं लिखा। उस लड़के ने मुझे ऑफर किया कि भाई आप लिखो पूरी एक पोएट्री लिखो, एक रैपिंग लिखो, भले ही वो डेढ़ दो मिनट ढाई मिनट की रैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ढाई मिनट की रैपिंग का मतलब ये होता है कि यार कम से कम डेढ़ मिनट की रैपिंग होनी चाहिए और एक मिनट की आपकी इंट्रो और आउट्रो होना जी। इंट्रो आउट्रो का मतलब ये होता है कि एक म्यूजिक से स्टार्ट होगा, म्यूजिक पे ख़त्म होने के बाद और बीच में स्टार्टिंग में जो मिसरा आएगा वो एंड में भी वही मिसरा आना चाहिए, तो वो इंट्रो और आउट्रो हो जाता है आपका। तो उसी हिसाब से मैंने कहा यार लिखा जाएगा, कोई मसला नहीं, मैंने वो लिख के भी रखा हुआ है। तो वो मुझे कह रहा है कि मैं आपको उसके पैसे दे दूँगा। मैं उसको ये बात उस टाइम भी बोली थी और मैं अभी भी ये बात बोल रहा हूँ कि अगर किसी को कुछ लिखवाना है अपने लिए पर्सनल, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है मेरी आईडी का, इंस्टाग्राम का, आप मुझे डीएम करो, आप मुझे अपनी स्टोरी बताओ, मैं उसी हिसाब से आपको लिख के दूंगा कि क्या है आपकी स्टोरी और किस तरीके से आप लोगों को बता सकते हो एज अ पोएट। मैं आपको क्लियर, मैं बिना मुआवजा बिना पैसे के ये काम करना चाहता हूँ, क्योंकि यार आर्टिस्ट जो है ना आर्ट का कोई पैसा नहीं, आर्ट की कोई रकम नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। शेख भाई आपके फैमिली के साथ आपको भी एक बात बताना चाहता हूँ मैं, फैजी भाई को ना मैंने भी अपनी रिसेंटली अभी दो या एक दिन की बात है, मैंने भी अभी लिखने के लिए दे दिया अपने जाती एक पर्सनल लाइफ के बारे में स्टोरी, एक स्टोरी ऐसा बता दिया, इनको हिंट्स दे दिया। अब हमारे फैजी भाई जो है कमाल करेंगे, आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब जिस तरीके से इन्होंने स्टोरी बताई ना, इनकी स्ट्रगल है थोड़ी बहुत और फिर इनकी लव लाइफ के बारे में, और टूटा फूल स्टेटस वो याद है आपको, देखिए फेसबुक पे काफी वायरल हुआ था वो, वायरल यार वो वीडियो ऐसी बनी थी तफरीह, आप लोगों को तो पता है ना कि दोस्त लोग कैसे होते हैं, वो सारे दोस्त यार मेरे दोस्त को वायरल, वो बात अगर मैं बताना चाहूं तो वो मैंने शौक से मतलब कि खुद से एक बनाया था एज अ तफरीह के लिए, ऐसा नहीं कि लाइफ में चल रहा हो, एज अ तफरीह के लिए बनाया था मुझे मुझे नहीं आइडिया था कि यार लोगों को इतनी जल्दी क्लिक कर जाएगा वो और लोग इतना रिलेट करेंगे उस चीज से, वो हो जाता है कभी कभी वायरल। आप क्या करते हो आपको नहीं पता क्या वायरल क्या कर रहे हो, ठीक है। और बाकी में देखिए मुझे भी नहीं पता कि अब जैसे पहला पॉडकास्ट था हमारा, अगर हम अपनी बात करते हैं तो वो इतनी जल्दी व्यूज़ गेन किया, मुझे नहीं आइडिया कि यार पता नहीं इस पॉडकास्ट में वीडियो व्यूज़ गिरेंगे या नहीं गिरेंगे इतने ज़्यादा, लोगों ने डिमांड की है, बस अल्लाह से दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक जहाँ तक पहुँचना है इस वीडियो को वहाँ तक पहुँच जाए, मेरे ज़रिए नहीं आपके ज़रिए नहीं, पर ये वीडियो जिन लोगों ने डिमांड की उन तक ये चला जाए ना, हमारे लिए वो रीच बहुत है, ठीक है। और सबसे मजे की बात तो ये कि यार क्या तो कह रहा था मैं अभी जहन से निकल गया मेरे, एक तो यार मैं भूलने लगा हूँ बहुत जल्दी ना, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ ना अभी हाल फिलहाल मेरा थोड़ा ज़हनी तवाज़ुन की बात नहीं है यार, असल में मैं काफ़ी हेवी डोज पे रहा हूँ दो महीने तक काफ़ी हेवी डोज पे रहा हूँ और मैं मौत के मुँह से वापस आया हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र हूँ, शुक्र गुजार हूँ मैं इस बात पर कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बख्शी है कि मैं 5 घंटे आईसीयू में रहना और 2 घंटे तक 4 दिनों तक आप बेहोश रहो। हाँ इनका काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ था लाहौर में, लाहौर में हुआ था। तो बस अच्छी बात है हो गया मैंने उस चीज़ों को भी लगाओ के लिए बस जहन से निकल जाती चीज़ें। मुझे वो बात याद आ रही थी कि हाँ कि जैसे अभी आपने लास्ट कमेंट्स की जो बात की थी ना, कमेंट वगैरह तो कमेंट पे भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं आपके ना, उस पर भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे इस बारे में कि यार इनके चेहरे पे दाग किस चीज़ का है, मैं हाफ सेल्फ पहन के आया हुआ था
तो उस पर भी मेरे हाथ पे भी चोट्स वगैरह लगे हुए थे, तो लोगों ने मुझे पर्सनली ये मैसेज करके पूछा कि यार आपके हाथ पे चोट कैसे लगा, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी मेरा एक्सीडेंट हो गया था अभी पांच महीने हो गए इस बात को, मैं 2 महीने बेड रेस्ट पे रहा हूँ और बस अल्लाह का करम है मालिक का। पाकिस्तान टूर पे गए थे, वहाँ इनका एक्सीडेंट हुआ। और पाकिस्तान टूर से एक बात याद आई मुझे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में मुझे अभी एक ब्रांड मिला है मुझे पाकिस्तान टूर ऑफिशियल के नाम से, और माशाल्लाह से उन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया और उनके जो रेट्स हैं ना वो काफ़ी मुनासिब हैं शोएब भाई। अभी स्टोरी देखा था आपका, काफ़ी मुनासिब है। वो 10 दिन का टूर प्लान कर रहे हैं 25,000 रुपये में, कराची से लाहौर, कराची से कश्मीर जाएंगे, पहले लाहौर जाएंगे, लाहौर का आपको विजिट कराने के बाद कश्मीर लेके जाएंगे, फिर नारान है, काहान है, फिर शिमला हिल से और सिरीपाया है, जहाँ जहाँ हम घूम कर आए, सिरीपाया, शुगरान है, अरे मशहूर जगह सवात वगैरह, ये सब घुमा के लाएंगे आपको। और उस 10 दिन के अंदर ही अंदर उनकी कार भी अपनी होगी, उनकी शुगरान जाने के लिए 4x4 जीप करनी पड़ती है, जो लोग गए होंगे उनको पता है कि 4x4 की जीप करनी पड़ती है, क्योंकि वो पथरीला इलाका टोटली और पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता है, 40,000 फीट की ऊँचाई है उसकी, और हम लोग गए वहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो वहाँ तक का ये, अरे अच्छा मज़े की बात तो ये कि उस पर उन्होंने खाना भी इंक्लूड रखा है, सुबह का नाश्ता और रात का खाना इंक्लूड है, और होटल भी है उनके साथ मौजूद और गाड़ी की सहूलत भी मौजूद है। तो यानी एक तो मेंटली आप परेशान होते हैं कि यार जाके हमें गाड़ी करनी है, होटल का स्टफ है, अदर स्टफ, सबसे ज्यादा तो आपको पता है होटल और खाना महंगा। देखिए कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है उसमें टोटली। उनका कोई लिंक वगैरह है? उनका बिल्कुल लिंक वगैरह मौजूद है, आप मेरे पेज पे आए, हमेशा उनको शॉर्ट आउट दे रहा होता है स्टोरी पे, तो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो फिर मैं शोएब भाई को कह के फिर उनकी भी इंस्टाग्राम की आईडी डलवा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, या उनका कोई नंबर वगैरह हो तो नंबर वगैरह मैसेज करवा के मैं आपको डलवा दूंगा, नंबर वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं नंबर है मेरे पास, अलबत्ता मैं नंबर दे दूंगा शोएब भाई को और बंदे का नाम भी मैं इंक्लूड करवा दूंगा, तो इंशाल्लाह। फिर चलिए शोएब भाई आप इजाजत दे तो मैं जाना चाहूंगा, बस मैंने एक छोटी सी लाइन कहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस महफिल पे, और मुझे एक जाते जाते एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है फैजी भाई से जो है उनके पर्सनल लाइफ के बारे में अट्रैक्शन करें। मैं बता रहा हूँ आपको गारंटी के साथ आशा फैजी भाई आफत मचा देंगे, बिल्कुल आफत मचा देंगे। चले आपके रिक्वेस्ट पे उनसे आज पर्सनल लाइफ मैंने मैं पूछ कर रहा हूं। ये पोइट्री अगर इनसे पूछे ना तो अभी बाकायदा इन्होंने लिख के रखा है, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप चाहे तो आप इनसे पूछे और किस पोएट्री की बात कर रहे हैं कि अब तुम वापस आना मत, वो पोएट्री या फिर वो जिसमें मैंने सबको लपेट में क्या वापस सबको लपेट में चले, जो जो लाइन आपने मुझसे बोली थी कि फैजी भाई आखिरी हो गई है, वो लेकिन मैं वो मिश्रा आपको समझा देता हूँ, वो मिश्रा कुछ यूं है कि मैंने कुछ लिखा है अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, आप कहां तक सोच सकता हूं, मैं किस तरीके से कहता हूं कि यार मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखता हूं। अब आपने भी ये सवाल पूछा है मुझसे ऑफ एयर, ये बात कि यार आप पर्सनल लाइफ के बारे में कैसे लिख रहे हो, मैं बैठा हुआ था, मैं रात में ना सिगरेट पी रहा था, पीते 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 यही लाइन एक दिन पहले से मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार वाकई में यार लाखों लोग मेरे साथ जुड़े हैं पर दोस्त कोई भी नहीं है मेरा। और वारिस भाई बहुत कनेक्ट करते हैं मेरी चीज़ों से, क्योंकि वारिस भाई मेरे साथ रहते हैं, पहली बार मैं बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ वारिस भाई मेरे साथ रहते हैं, और वारिस भाई ने ये बात क्लिक की थी कि मैंने हाल फिलहाल वारिस भाई को एक 4 लाइन का कैप्शन लिख के दिया था, पोइट्री गज़ल शायरी कह रहे हैं आप उसको, वो लिख के दिया था। तो वारिस भाई ने उससे सिर्फ डिमांड की थी कि फैजी भाई थोड़ा यार बेवफा दोस्त के ऊपर भी कुछ हो जाए, ठीक है यार इंशाल्लाह एक दो दिन का आप टाइम दे मुझे, मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि कुछ बैक बैटिंग करने वाले मेरे साथ हर देखिए हर किसी की जिंदगी में होता है, ठीक है। तो मैंने उस पर ये लाइन लिखी थी कि बहुत खूबसूरत लाइन थी वो,
ये थी। अच्छा वो मैंने ना लिखी भी नहीं थी, मैंने बस याद की थी, जबान में आया था फटाफट, मैंने उसको याद कर लिया था। फिर मैंने दूसरे तीसरे दिन उसके दूसरे दिन ही नेक्स्ट डे ही मैंने वारिस को लिखवा दी थी कि वारिस लिख ले ये तेरी लाइन, ये तू ही रख। अच्छा मेरी एक आदत है, जैसे मैं आपके लिए कोई पोएट्री लिख रहा हूँ, मैं अपने पास सेव नहीं रखता हूँ डायरी, मैं आपको दे देता हूँ कि भाई वो आपकी, वो आप संभालना आप, ठीक है, क्योंकि वो मेरे पास रहेगी, वो मेरे पास से अगर कहीं और पोस्ट हो गई ना, मैं असल में मैं ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और इंस्टा पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, और फेसबुक पर तो नहीं एक्टिव रहता खैर, तो इंस्टा और ट्विटर पर, मैं ट्विटर पर इस वजह से जल्दी कुछ चीज़ें पोस्ट नहीं करता, जैसे मैंने अपने लिए कुछ लिखा तो मैं वो पोस्ट कर देता हूँ, और ट्विटर की भी एक स्टोरी है मैं वो भी बताऊँगा आपको। मेरे वहाँ पर दो बहुत अच्छे मुखलिस दोस्त हैं वहाँ पर, जो हमारे ग्रुप के एडमिन भी और वाइस भाई उस ग्रुप का हिस्सा है, कौमी जबान उस ग्रुप का नाम है, ठीक है, तो उसके बारे में बातें बात कर लेंगे। पर वो शायरी जो मैंने लिख के दी थी अपना वारिस भाई को, वो कुछ ऐसी थी कि छोटा सा है दिल सब उठाते इसका फायदा, छोटा सा है दिल सब उठाते इसका फायदा, इल्जाम देते सब पर ना मौका दे सफाई का। होता ना कि यार आपके दोस्त वगैरह आपके साथ जुड़े हुए बस वो पॉइंट कर देते कि यार तू ही गलत है, तू ही गलत है, आपको वो सफाई का मौका नहीं देते आपको, अपने बारे में आपके बारे में सुनने को जाने कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपने वो अगर कुछ किया है, अगर वो आपके साथ उलट हो गया तो आपने वो क्यों किया था। समटाइम ऐसा होता है ना कि यार आप कुछ करना चाहते हो और हो कुछ चाहते हैं, हो कुछ चाहते हैं, ठीक है, आपकी नीयत गलत नहीं थी, जैसे अभी शाहरुख सिद्दीकी की एक बात है कि मेरा इरादा गलत था, ठीक है, तो आप अगले की पर्सपेक्टिव से तो देखो कि यार वो बंदा क्या सोच रहा था, तो वो इसलिए मैंने ये बात लिखी थी कि इल्ज़ाम देते सब पर ना मौका दे सफाई का। सेकंड लाइन जो है ना बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत इसकी थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन बहुत खूबसूरत है समझने वाले के लिए, कि नाम दिया मैंने मेरे दुश्मन को भी भाई का, क्योंकि हम दोस्ती जब करते हैं ना तो हम दोस्त नहीं उसको भाई बनाते हैं, जो हमारी जनरेशन है वो इस, जो हमारे लौंडे हैं वो इन चीज़ों को, अच्छा लौंडे लौंडे बहुत ज़्यादा बहुत कम हो गए इस दफ़ा, क्योंकि मुझे कोई पर्सनल ऑब्जेक्शन किया, किसी ने ऑब्जेक्शन किया भी नहीं, क्योंकि लौंडे वाकई में एक वर्ड है और लोगों ने अप्रिशिएट किया, सुना है इन चीज़ों का, बहुत अच्छी बात है कि समझने की ज़रूरत है और लोगों को, और लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि हाँ यार लौंडे और लौंडिया कोई गलत चीज़ नहीं। तो वही बात है कि अभी की जो लौंडे ना वो इन चीज़ों को समझ जाते हैं कि वो दोस्ती में दोस्त नहीं बनाते, वो भाई बना लेते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी थी कि इल्ज़ाम देते सब पर ना मौका दे सफाई का, नाम दिया मैंने मेरे दुश्मन को भी भाई का, क्योंकि मेरे दुश्मनों में शामिल मेरा भाई था। ये लाइन मैंने वारिस भाई ने लिखी थी, वारिस भाई माजत के साथ वो लाइन में बीच में ले आया, तो उसके बाद मैंने ये लाइन लिखी थी कि अभी मैंने हाल फिलहाल ये लाइन पोएट्री की ये बात कर रहे हैं ना कि मेरे पर्सनली स्टफ है वो और बहुत करीब है, मैंने अभी तक उसको कहीं पे अपलोड ही नहीं किया, ठीक है, और मैं हिचक रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है कि यार मैं अगर अपलोड कर दूँ तो क्या ही हो जाएगा। मैंने अब तक अपने वो ट्विटर पे जो मेरी कौमी जबान की एडमिन है ना, तो उसका नाम अनीसा है, US में रहती है वो, और एक है हमारे साथ मोहम्मद फैसल, खाली मुझे सही से नाम याद नहीं, क्योंकि उसका ट्विटर हैंडल का नाम है उनका मुसाफिर @SoftHeart। तो माशाल्लाह से अच्छा मज़े की बात ये कि मुझसे काफ़ी बड़े हैं वो, काफ़ी समझदार हो और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पोएट्री करते हैं, मुझसे बहुत अच्छी पोएट्री करते हैं वो, बिजनेस है उनका अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, लाहौर फैसलाबाद दुबई इस्लामाबाद, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है उनका अपना माशाल्लाह से, और रहते वो खुद लाहौर में ही, और काफ़ी अच्छे और काफ़ी संजीदा मिजाज के हैं वो, और उनको मैंने ये पोएट्री सेंड की, उन्होंने मुझसे डायरेक्टली ये कहा कि फैजी भाई अच्छा मजे की बात है कि अभी मैं आपको उनका अगर मैसेज पढ़ाऊँ ना ट्विटर पे तो वो मुझे भाई कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरी तस्वीर नहीं देखी है, या ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है, उन्होंने वीडियो भी देखी भी हमारी और सब कुछ देखा हुआ, मेरी बात भी हुई भी उनसे, लेकिन वो एक इज्जत भाई, मैं उनको भाई कहता हूँ। मैंने कहा यार भाई ऐसी ऐसी बात करो, कहते हैं यार ठीक है लिखो, मैंने वो लिखा और मैंने उनको सेंड किया, मैंने अनीसा को सेंड किया, अनीसा बिग शॉट आउट टू अनीसा @Joganट्विटर पे, तो वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है माशाल्लाह से, काफ़ी सपोर्ट करती है, और मेरी दोस्त नहीं, वो मेरी सिस्टर है, ठीक है, हमारी ग्रुप की एडमिन भी है, और लोग उनको मैडम मैडम कहते हैं, पर मैं उसको अपनी बहन मानता हूँ, दिल से बहन मानता हूँ, और बहुत अच्छी, बहुत 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 से भी ज़्यादा अच्छी लड़की है वो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है वो, और
मैंने जब उसको ये पर्सनल स्टफ अपना सेंड किया, मैंने कहा यार एक दफ़ा आप देख लो और मुझे बताओ कि मैंने कहाँ गलती की। तो उसने देखा और बैक वक्त उसका मैसेज आता है कि ऐसी बहुत खूबसूरत लिखा है आपने, बहुत खूबसूरत, अगर तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ, क्योंकि वो मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानती नहीं है ना, सबसे बड़ी बात हुई, क्योंकि वो US में रहती है, मैं पाकिस्तान में हूँ, कराची में हूँ, तो काफ़ी डिस्टेंस, सात समंदर पार, एक ठंडा सा शहर, सात समंदर पार एक ठंडा सा शहर, मुझसे कोई ना पूछे क्या नाम है उसका, हर इसी साल में क्या है उसका, यार मैं पोइट्री वाले जोन में जा रहा हूँ, मुझे वापस लाओ। तो मैंने फिर जब ये सेंड किया ना, अब वारिस भाई ने ये बात बोली ना कि तीन कैमरे फ़ोन में पर दोस्त कोई नहीं, तो मैंने ये बात देखी ना कि लाखों लोग मेरे साथ पर दोस्त कोई नहीं। मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा यार आगे की लाइन क्या करूँ, आगे की लाइन क्या करूँ, आगे की लाइन क्या करूँ। तो मेरे हाथ में मोबाइल था, मैं यूँ ही पलट के देख रहा था, मैंने कहा यार ये तीन कैमरा क्यों है मेरा मोबाइल आईफोन। अब ऐसा नहीं है कि आईफोन की मैं ब्रांड प्रमोशन कर रहा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं देखा, मैंने बोला यार तीन कैमरा, मैंने कैमरे का तो मैं यूज़ ही नहीं करता, ये तीन कैमरा क्यों है। बोले यार ये तीन कैमरे का फ़ोन है मेरे पास पर दोस्त कोई नहीं। फिर मैंने वहाँ से लिखना शुरू किया कि लाखों लोग मेरे साथ पर दोस्त कोई नहीं, तीन कैमरे हैं फ़ोन में पर दोस्त कोई नहीं, नाम के हैं दोस्त पर क्लोज कोई नहीं, उनके साथ जब भी पिया हुआ मैं मत होश में। यानी एक ऐसा दोस्त आपके साथ होना चाहिए ना कि अगर आप कहीं डिसबैलेंस हो जाओ ना अपनी ज़िंदगी में, लड़खड़ा जाओ, तो आपको मोटिवेट, मोटिवेट के साथ साथ वो आपको हाथ पकड़ के उठाएगा। मोटिवेट तो ऐसा होता ना कि आपको जबान ही मोटिवेट करना होता, वो आपको फिर उंगली पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चले, चल मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे पीछे नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। ऐसा दोस्त होना चाहिए आपकी लाइफ में ना। अच्छा मैंने ये लिख दिया, मुझे वारिस भाई क्यों अच्छे लगते हैं मैं आपको एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने जो वारिस भाई को ये लाइन लिख के दी थी कि छोटा सा हृदय सब उठाते इसका फ़ायदा, इल्ज़ाम देते सब पर ना मौका दे सफाई का, नाम दिया मैंने मेरे दुश्मन को भी भाई का, क्योंकि मेरे दुश्मनों में शामिल मेरा भाई। वारिस भाई को समझ वहाँ से आई कि यार फैजी भाई ने वो लाइन को तोड़ के यहाँ पर हर पोएट्री में वारिस फैजी भाई के कहीं ना कहीं पर्सनल स्टफ छुपी हुई है। हर पोएट्री को अगर आप कंबाइंड कर लो ना, अगर आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में जानना है तो मेरी हर पोएट्री को आप कंबाइंड कर लो ना, जोड़ो उन चीज़ों को, मेरी पूरी ज़िंदगी आपको एक शीशे की तरह सामने आ जाएगी, खुली किताब पर कर पड़ी। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि यार मैं एक घंटे का अगर ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो मैं एक घंटे में अपनी ये 29 साल 28 साल की जो ना मैं अपनी पूरी लाइफ स्टोरी नहीं बता सकता। मैं इस वजह से पोर्टर में आहिस्ते आहिस्ते करके थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करता रहता हूँ, तो इसी तरीके से जुड़ता रहता हूँ और होती रहती है। तो वारिस भाई आपको चलिए आप तो इजाज़त देना, मैं जाना चाहूँगा, इसमें एक छोटे से लाइन कहने आया था, तो आपको शुक्र अदा करूँगा। चले सलाम अलैकुम, चले ठीक है। अरे आप तो हाथ ऐसे मिला रहे हैं, आप यहीं से बाहर जा रहे हैं, कैमरे के पीछे ही जा रहे हैं, नहीं कैमरे। ठीक है शुभ भाई, बारिश में तो चलेगा। एक सवाल हाँ, आप अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार फैजी भाई क्यों सवाल कर रहे हैं, सवाल तो छोटा सा पर्सनल एक सवाल है, आप डेली ब्लॉग कर रहे हो? जी बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल भी आपने एक वीडियो अपलोड की है, ये सवाल एक ही है, लेकिन उसके एक होता नहीं वो कि एक दो ABCD ये तीनों चार जवाब देंगे तो आपका फिर एक सवाल कंप्लीट होगा, तो वही वाला सवाल है मेरा। तो सवाल तो पहला ये कि यार आपके डेली ब्लॉग में मुझे कुछ मिसिंग लग रही है, आपने अभी हाल फिलहाल कुछ वादा किया था कुछ नया आने वाला है आपके ब्लॉग में, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल तो ये कि अभी हाल फिलहाल आपने कल या परसों आपने एक ब्लॉग अपलोड की थी कि आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ। जी कल का ब्लॉग था। तो मुझे एक बात पता नहीं चली कि यार कौन था, कौन था नहीं कौन थी, अच्छा वही कौन थी, हाँ सही सही थी, कौन थी वो? एक है मेरी अच्छी दोस्त, उससे काफ़ी अच्छी बातें होती है, एक फ्रेंडली, क्योंकि फैजी भाई को पता है कि मैं उस टाइप का लड़का हूँ ना कि मुझे कोई बस गुस्सा ना काफ़ी ज़्यादा है मुझ में, बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोई ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मुझे,
मेरी ये वो एक काफी अच्छी दोस्त, तो उसी के बारे में मैं व्लॉग में बता रहा था। उसने मुझे काफी तंग किया सुबह से कि मैं जैसे ही उठा सोकर, जब रिजल्ट का मैसेज आया मेरा आंख पूरा खुल गया। मैंने आप लोगों को व्लॉग में भी बताया, मैं ना सारे दिन उसने मुझे तंग किया। मैं बिजी था, व्लॉग बनाना, फिर शॉप जाना, फिर कॉलेज। मैंने रात को आके मैं चेक किया हूँ कि रिजल्ट आया या नहीं आया, तो उसने मुझे सारे दिन तंग किया कि रिजल्ट चेक करो, अपना स्लिप सेंड करो। तो मैंने उसको सेंड नहीं किया, मैंने खुद चेक किया। तो बस यही था, वो मेरी एक अच्छी दोस्त थी और ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यार मुझे ना पसंद नहीं है ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से मैं काफ़ी ज़्यादा दूर रहता हूँ। क्योंकि यार मुझे ना दोस्त, आप मुझे अगर दोस्त बोले ना, फेसिबल मुझे जानते हैं कि इंस्टा पे अच्छे खासे मैसेजेस आपने देखे हैं, मैसेंजर मेरा भरा हुआ मैसेजेस मैसेज से, और टिकटॉक पे भी काफ़ी हार्ड आर्ट कमेंट्स आते हैं, आपने देखा है। ठीक है, टिकटॉक का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हाँ शायद ये यूज़ नहीं करते हैं। तो यार मैं ना किसी को पर्सनल नहीं बनाना चाहता, ये चीज मेरे में, बस दोस्त, एक अच्छी दोस्त काफी है मेरे लिए। जो और मुझे दोस्त भी ऐसे चाहिए ना, अगर मैं आप अभी दिल से बात करूं तो ऐसे दोस्त चाहिए जो मुझे समझे, ठीक है, जो मेरा साथ दें। और मैं वो हूं ना कि मुझे गुस्सा काफी बहुत जल्दी आता है, गुस्सा फैजी भाई आपको तो पता ही है कि मुझे गुस्सा कितना आता है। अगर मैं इनसे ज्यादा क्लोज हूं ना, तो मुझे ये मुझे अगर कुछ ऐसा बोल दें, कुछ गलत बोल दें, तो काफी ज्यादा हर्ट होता है। अगर कोई भी मुझे जरा सा भी कुछ बोल देना, काफी ज्यादा हर्ट होता है। इस वजह से मैं इतने दोस्त नहीं बनाता। फेजी भाई को पता है, फेजी भाई के अक्सर मैं शॉप जाता रहता हूँ, जहाँ इनकी शॉप है उधर अगर इनके कोई दोस्त आए ना, तो मैं सिर्फ उनसे सलाम किया, बस चुप बैठ गया। और आगे फेजी भाई आपको पता है कि मैं किसी से ज्यादा घुल मिलता नहीं हूँ, क्योंकि यार मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, मैं साइलेंट मूड वाला हूँ इसलिए। देखें बात तो सही है आपकी, साइलेंट मूड वाला, लेकिन मैंने आपको हाल फिलहाल भी एक बात बोली थी ना कि द वे यू टॉक, आपके बात करने का जो तो अंदाज है, उससे डायरेक्टली सामने वाले को ये लगता है कि यार आप गुस्से में बात कर रहे हो। ठीक है, आदत, देखिए शेख भाई आदत तो बहुत सारी चीज़ों की होती है ना। मेरी भी आदत, मैं गुस्से में काफ़ी तेज हूँ, आपने आपको ही पता बहुत अच्छे से। ठीक है, और मैं अंधेरा पसंद हूँ, मुझे अंधेरे में बहुत अच्छा लगता है, अंधेरे में रहना। तो अंधेरे की बात चली तो मैं फिर एक छोड़ा सा शायर शेर है, मैं वो मेरी बात काट के अपनी बात नहीं, अब एक बात है ना, अब मैं ठहरा शायर आदमी, मुझे खाली मौका चाहिए शायरी करने के लिए ना। तो रदीफ कुछ यूँ है कि शायर का जो मुझे क्यों ये याद आया, मैं पहले ये बताता चलूँ कि एक बहुत मशहूर कहावत है कि यार जो आर्टिस्ट होते हैं ना, कोई भी आर्टिस्ट, चाहे वो शायर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो आशिक हो, उनका अंधेरा बहुत अच्छा लगता है। आपने सुना होगा कि वेकअप इन द एम स्लीपिंग इन द पीएम, तो यही चीज़ है ना। अब उस पर मुझे एक बात याद है, एक शायर है, उन्होंने बहुत खूबसूरत ये शेर कही है कि रात हुआ करती थी, हाँ कि शाम हुआ करती थी मैं चिराग जलाया करता था, कि शाम हुआ करती थी मैं चिराग जलाया करता था, कितना कुछ तो मैं बेमन किया करता था। अब तो तेरी यादों के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तेरी यादों में आंसू बहाया करता था। तो आपको और कुछ मुझसे पूछना है तो? हाँ अच्छा, सबसे पहली बात तो यार ये कि आपने जो डेली ब्लॉग की स्टार्ट किया माशाल्लाह से, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, उसमें जो मिसिंग है ना, जो मुझे मिसिंग लगती है एज अ पब्लिक, मैं एज अ फ्रेंड बात नहीं कर रहा, एज अ पब्लिक बात करूँ, व्यूअर्स, मैं रोज आपका ब्लॉग देखता हूँ, एक आदत लग चुकी है आपके ब्लॉग के देखने की। और आपने डेली ब्लॉग स्टार्ट किया ना, आप अपने वालिद साहब को कब इंट्रोड्यूस करवा रहे हो? मैंने आपको ये हाल फिलहाल ये बात बोला भी था कि कम से कम अपने वालिद साहब को तो आप फ्रंट पे लाओ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं सोचूं कि उनका भी एक, क्योंकि मैं अपने ना छह सिस्टर का इकलौता भाई हूँ, ठीक है, तो अपने वालिद का भी इकलौता ही हूँ, ठीक है, वो काफी ज्यादा मुझे मानते हैं। तो मैंने सोचा है कि उनका मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा उनके साथ कि वो मेरे बारे में बताएं। तो इंशाल्लाह आप कमेंट्स करें, ठीक है, मुझसे ज्यादा आप कमेंट्स करें इस बात पे के शेख भाई नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके वाले साथ होना चाहिए।
मौजूद रहूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं मौजूद रहूंगा, मैं कैमरे के पीछे भी मौजूद रहूंगा, मैं जुड़ूंगा भी आप लोगों के साथ, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके वाले साहब मेरे वाले साहब की तरह बिल्कुल और काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं आपके वाले साहब से मेरे, तो इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ आपके वाले साहब अगर पॉडकास्ट पे बैठते हैं, क्योंकि लोगों को अगर मेरे बारे में जानने की ख्वाहिश है ना, तो लोगों को आपके बारे में जानने, क्योंकि चैनल आपका है एज अ होस्ट, आप उस दिन आपके बारे में आपसे अच्छा आपके वाले साहब बताएंगे, तो किसी दिन आप एक देखिए मैंने आपके बात पहले बताई कि पहला पॉडकास्ट आपका जो होना चाहिए वो आपके वाले साहब के साथ होना चाहिए, आपने कहा वाले साहब थोड़ा कैमरा शाय है कि नहीं कर पाएंगे, हम तैयार कर लेंगे उनको, कोई इशू नहीं, क्या होगा यार इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा पॉडकास्ट शो का इंशाल्लाह इनके तरफ से इंशाल्लाह, लेकिन आपने कमेंट्स करना है कि अपने वाले साहब को लेकर आइए, अपने वाले साहब को लेकर आइए, आप स्पैम कर दें इस चीज को, आप स्पैम भर दें कमेंट्स को, कमेंट्स को आप भर दें कि आपने वाले साहब को लेकर आइए, इंस्टाग्राम भी आने वाला है इंशाल्लाह, किसी का आया नहीं आया मेरे तरफ से तो आएगा, और कुछ पूछना नहीं, बस यही जानना था आपके बारे में, और बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ यार, आप अभी तक आप ब्रेकअप से बाहर नहीं निकले हो क्या? नहीं, गुस्सा किस बात? मैं यार बस मैं आपको बोला ना कि मैं इतना गुस्से का तेज हूँ कि घर में अगर मुझे कोई सीधा बात भी कोई बोल दे, वो बात तो आपने बता दी, वो तो आपकी पब्लिक भी हाँ, तो इस वजह से मैं नहीं उस, मैं उसके देखे मैं वो नहीं हो गया, हाँ ठीक है आप गुस्से के तेज हो यार, मैं उसकी वजह पूछ रहा हूँ, उसकी वजह क्या है? सोचता हूँ कि किस बारे में सोचता है, देखिए आज तक तो मैंने किसी चीज की टेंशन नहीं ली, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सारी ख्वाहिश मैंने अपने उम्र में पूरी की, और वो भी अपने बाबा के पैसे की, ठीक है, जो चीज चाहिए होता था वो सामने मिलता था, सारी ख्वाहिश पूरी की मैंने, मुझे जो ख्वाहिश थी कोई ऐसी मिस नहीं हुई कि मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं की, ठीक है, सारी ख्वाहिश पूरी की, इसलिए ना मैं कोई टेंशन आज तक नहीं लिया, कोई भी टेंशन होता ना फिर भाई मुझे अपना होता है, ठीक है, कि अपना जो पर्सनल है ना कि यार कल पेपर है पेपर देना, ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी मेरा कॉलेज में एग्जाम स्टार्ट है कॉलेज में, तो प्रोजेक्ट वगैरह बनाना भी उसकी टेंशन है, ठीक है, अक्सर मैं रात को जब व्लॉग एडिट कर रहा होता ना तो बस मुझे अपना टेंशन रहता है कि नहीं यार शिवी ये करना है ये चीज करना है, अभी एक दो दिन पहले पॉडकास्ट की तैयारी चल रही थी तो सेटिंग वगैरह कर रहा था मैं, तो मुझे इसी चीज का टेंशन था यार पॉडकास्ट कैसा होगा, बस देखिए वही बात है ना, अभी मैंने आपको ये बात बोली ना कि कायनात में चीजें जहाँ पहुंचनी थी वहां पहुंच जाती है, टेंशन नहीं ले, गो विद द फ्लो, जो आपके नाम का मतलब है ना उस मतलब को आप समझ के ना, कि बचपन में जब नाम रखा जाता है ना तो उसके देखिए हमारा मानना तो यही है ना कि इस्लाम में भी ये बात है कि बच्चों को जो नाम रखा जाता है उसका उस चीज पे उस बच्चे पे उसका बहुत असर पड़ता है, ठीक है, बहुत नहीं बहुत से भी ज्यादा असर पड़ता है, आपका जो नाम है शुएब उसके नाम का मुखफ्फफ जो मतलब है उसके लघवी मायने जो है इस्लाम में, आप उसके हिसाब से अगर अपनी ज़िंदगी को आज़ाद कर दें ना, फिर देखिए आपकी जितनी आपकी जहन में सोच है ना ख़त्म हो जाए, अब मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा है ना, ठीक है, मैंने आपको हाल फिलहाल ये पहले पॉडकास्ट पर ही बताया कि कोई किसी को नहीं सिखाना, कोई किसी को नहीं ज़िंदगी सिखा, मुझे मेरी ज़िंदगी ने सिखाया कि गो विद द फ्लो, दुनिया क्या बोल रही है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। हाँ वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब YouTube स्टार्ट किया, ठीक है, फर्स्ट व्लॉग था, काफी सारे WhatsApp वगैरह पे मैं सेंड किया लिंक, तो बहुत थे बोलने वाले कि यार ऐसा नहीं करो, यकीन नहीं मानेंगे आप, मैंने आपको कहा ना कि जो मेरे दादा करीब होते हैं, ठीक है, अगर वो मुझे कुछ बोल देना मुझे बुरा बहुत जल्दी लगता है, बहुत ज्यादा ही जल्दी लगता है, ये मेरी दोस्त वगैरह भी देख रही होंगी काफी ज्यादा, उन्होंने काफी वेट किया इस पॉडकास्ट के लिए, उनको भी पता है कि मुझे बुरा बहुत ज्यादा लगता है, तो मुझे उस टाइम बुरा तो बहुत लगा था कि यार लोग ऐसा कह रहे कि YouTube में ये वो, तो मैं अगले दिन फैजी भाई के पास गया था कि यार ऐसा ऐसा मसला है ना, तो मेरा एक दोस्त भी बैठा हुआ था, इंशाल्लाह उससे भी आप लोगों को जल्दी मिलवाऊंगा, शहबाज नाम है उसका, तो उसने कहा था ना कि यार व्लॉग में ना कुछ मजा नहीं आ रहा, तो इसी में फैजी भाई ने कहा था कि यार देखो इंसान ना गलती करते करते सही करता है, वो चीज मैंने काफी ज्यादा नोट किया, इनके साथ सिर्फ मैं दो दिन रहा हूँ, ठीक है, इन्होंने मुझे समझाया कि शिवी जो कुछ कहता है, अरे शिवी मैं कॉल से कर लूं, जी जी बिल्कुल, ठीक है, आप बात करें, जो कुछ कहता है वो कहने दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो बस मैं फैजी भाई से काफी ज्यादा चीजें सीखा हूँ, फैजी भाई ने कहा कि छोड़ो आप अपना मुंह बंद हो
कोई मसला नहीं, जो कुछ कह रहे कहने दो। तो बस यही बात है, फेजी भाई से मुझे काफी ज्यादा गाइड किया फेजी भाई ने मुझे, वरना तो मैं इतना बुरा मानने वाला हूँ ना कि अगर मुझे कोई चीज बोल देना मैं वो काम छोड़ दूँ। लेकिन मैं YouTube में सिर्फ इस वजह से YouTube की रस्सी पकड़ा हुआ हूँ क्योंकि फेजी भाई ने मुझे सपोर्ट किया। नहीं शेबी, जो कुछ बोल रहे बोलने दो, तुम अपना काम करते रहो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डेली ब्लॉग ऐसा हो गया जैसे मैं दिन में खाना खा रहा हूँ ना, मुझे याद है कि मुझे तीन वक्त खाना खाना है, मुझे वैसे याद है कि मुझे डेली ब्लॉग बनाना है। मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश होने जाता हूँ, डायरेक्ट ब्लॉग का ख्याल, शॉप से आया ब्लॉग का ख्याल, बस ब्लॉग ऐसा बन गया कि जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसी आदत हैबिट लग जाती है। ठीक है, आप माशाल्लाह से आप ऐसी कंस्टेंट्स, ऐसी जिद्दोजहद और लगन के साथ आप मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह वो मकाम मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ है। और आपने जिस तरीके से बात की ना कि लोगों ने आपको बैकलैश किया, मैं एक बात आपसे रिवील करना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे साथ मौजूद थे हमारे वारिस भाई, बहुत जल्दी इनका भी डेली ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है। ओहो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इन्होंने अभी कुछ टिप्स वगैरह लिए हैं मुझसे। अभी ये जो आए थे, अभी हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले वारिस भाई मेरा मोबाइल लिए हुए ब्लॉग बनाने का। नहीं देखिए, वो स्टार्टिंग कर रहा है, उसकी आदत नहीं है वो, इंशाल्लाह। छोटी छोटी चीजों से आप आगे बढ़ोगे। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट बोल दूं कि अजी पहाड़ है इस पे चढ़ना है आपको, आप पहाड़ को देख के ही बोलोगे भाई यार फैजी भाई इतना ऊपर चढ़ना मुझे, तो आप आहिस्ते आहिस्ते चढ़ना शुरू करोगे ना। मैं आपको जब छोटा छोटा टास्क दूंगा ना कि हाँ यार आप पहले मंजिल पर चढ़ जाओ, आप जब पहले मंजिल पर चले गए आपको खुद खुश होगी यार पहले मंजिल पर आ गया, जब आप पहले से फिर दूसरे पर आप चढ़ोगे ना तो आप फिर आपको यार जब मैं इतना कुछ करके पहले पर आ गया तो मैं इतना कुछ करके दूसरे पर भी चले जाऊँ, करते करते फिर आपके टॉप पर चले ही जाना। आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीढ़ी चढ़ता है, कोई अचानक से कोई, आप जितने भी बड़े देख रहे होते हैं अक्सर, मैं एक स्टेटस देख रहा था फेजी भाई फेसबुक में, तो एक लड़की थी वो काफी अच्छा ना कोई इंटरव्यू ले रहा था उसका, वो काफी अच्छा बोल रही थी, उसने ये कहा था कि हम लोग सोचते तो है कि हमें बॉयज मिले अमीर जिसके पास सीवी को बड़ा घर हो, सही है सब चीजें हो, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि आज हमारे बाबा के पास है। ठीक है, उस लड़की ने कहा था आज हमारे बाबा के पास है सीवी के, ठीक है बड़ा घर है, अपना बिजनेस है, सब चीज है, लेकिन उनकी एज क्या है, मेन पॉइंट उसने बात किया था कि उनकी एज क्या है 60। फिर उसने ये कहा कि जब वो 60 में आता है, 60 एज पर आकर उनके पास इतना सारा चीज है, तो हम एक कैसे बोल सकते हैं कि यार एक 20 साल की लड़की के पास इतना चीज होना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने मेहनत किया। अगर 60 में हम 20 निकाल दें, ठीक है 40 साल 40 साल उन्होंने मेहनत किया तो उनके पास इतना सारा चीज है। ठीक है, तो हम यार कैसे बोल सकते हैं कि ये 20 साल के उम्र के लड़के हैं, मिसाल के तौर पे 20 साल के फैजी भाई, इनके पास सिविक होना चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, कहाँ से आएगा। अब ये भी अगर आज ये मेहनत कर रहे हैं, 40 साल बाद जाके अगर ये और मेहनत करेंगे इनके पास भी सब होगा, लेकिन यार उम्र की बात होती है। उस लड़की का लाइन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था यार, बहुत ज्यादा वो मेरे दिल बहुत ज्यादा दिल के करीब है आज भी बोला है। आपके दिल के वो करीब है, पर कुछ होता है ना, कुछ बातें आपकी माजी को खुरेद देती, तो लगता है जिस तरह उन्होंने बात की ना, माशाल्लाह मुझे नहीं पता कि लड़कियां इतनी समझदार भी होती है। मैंने उसको काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, बहुत अच्छे अच्छे पूरा दिल से कमेंट्स किए उसको, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। मैं दुआ करता हूँ उस लड़की के, उसका जो भी नाम है अल्लाह उसकी जिंदगी को ऐसी खुशियों भरा रखे, आमीन, और इसी तरीके से वो परवान चढ़ती रहे हर जगह पे, उसकी जिंदगी में कभी को गम ना आए। कोई बॉयज का साथ दिया, बॉयज के साथ देने की बात नहीं है, भले वो किसी का साथ दिया उसने बात की। देखिए आप किसी के साथ नहीं भी हो गए ना, आप दुनिया के साथ हो सकते हो, ठीक है, अब लाजमी नहीं है कि आप जिससे मोहब्बत करते हो आप सिर्फ उसी के साथ रहने के लिए सिर्फ उसी की बातें करो, लेकिन जब आप सच पे होते हो ना तो दुनिया आपके खिलाफ तो हो जाती है पल भर के लिए,
लेकिन बाद में ना जब दुनिया को समझ में आ जाती कि नहीं यार ये बंदा सही बात कर रहा है, तो फिर वो दुनिया आपसे सही कनेक्ट कर पाती है। तो उस चीज में जो आपकी जीत होती है ना, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको, कि एक सुकून मिलता है आपको अपने आप में कि नहीं यार मैंने जो किया मुझे उसका फल पहले ही बाद में मिला, लेकिन बहुत अच्छे से अच्छे से। ये टॉलरेंस जो है ना, सबर, हमारी जनरेशन के अंदर वो सबर नहीं है, सबर को पैदा करना। ये आपने काफी अच्छी पॉइंट बात की है। और बाकी मैं मजाक से हटके मैं बात करना चाह रहा हूँ लोगों के बारे में कि हम सबर खो चुके हैं अपने अंदर, सारी चीजें अपनी तरफ, हमारा पॉडकास्ट अपनी तरफ है, पर सबर खो चुके हैं हम, ठीक है, और हमें बस अभी चाहिए। हसद एक चीज के अगर दूसरे के बाद ये चीज देखना है ना, हमें भी अभी वही चीज चाहिए। मौलाना रूम, मैं पहले मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को मैं पढ़ता था, बहुत जबरदस्त बात की थी उन्होंने, एक अपनी एक अखबार जरिए में ही बात की, या फिर एक और एक वाक्य बताया था उन्होंने कि मौलाना रूम के पास एक बंदा आता है उनके शहर में, वो आके कहता है कि मौलाना खुदा मेरी दुआएं कबूल हाथ के हाथ क्यों नहीं कर पाता। मौलाना रूम बात कर, कोई मुझसे भी ये सवाल करना है, कोई आपसे इस बात कोई हमारे आलम वगैरह से भी सवाल करना है, तो वो घबरा जाएगा कि यार सोचने वाली बात है कि खुदा हमारे दुआओं को फटाफट कबूल भी नहीं कर रहा। मौलाना रूम मेरी नज़र में मौलाना रूम से बड़ा आलिम और कोई दरवेश मौजूद नहीं है, था और ना होगा कभी। तो उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, हाजिर जवाब भी देखे मौलाना रूम की, मौलाना रूम अहमदुल्लाह ने हाजत के साथ अदबी से अगर ले रहा था, तो उन्होंने ये बात कही कि ऐ शख्स अगर ऐसा हो कि खुदा तेरे गुनाहों का अजाब भी तेरे हाथ के हाथ दे दे तो क्या होगा। तो बंदा बिल्कुल खामोश हो जाता है। बाद में मौलाना रूम कहते हैं कि वो तेरी दुआओं को कबूल तो फरमा लेता है, लेकिन वो चीज़ें रोक के रखता है कि तेरे अंदर सबर पैदा हो। और बाद अगर ऐसा होता है ना शेबा, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हम खुदा से जो है ना एक गुलाब के फूल के लिए लड़ रहे होते कि हमें एक गुलाब का फूल चाहिए। गुलाब के फूल से मतलब आप कुछ भी, आप पैसा ले लो, दौलत ले लो, शोहरत ले लो, इज्जत ले लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, लड़की ले लो, अभी के लड़कों के हिसाब से है लड़की ले लड़की तो मोहब्बत में अगर आप है तो भाई यही लड़की चाहिए मेरे को, या खुदा फजर की नमाज में या खुदा मुझे इस लड़की से मोहब्बत है। तो हम यही दुआ कर रहे होते हैं कि बस एक गुलाब के लिए हम खुदा से लड़ रहे हो, हमें नहीं पता कि खुदा हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, ठीक है, 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। और ये सिर्फ एक छोटी सी अदाद बताई है, ठीक है, खुदा की मोहब्बत का अंदाज़ा इंसान लगा भी नहीं सकता, नहीं लगा सकता। खुदा ने सिर्फ हमारे नबी ने ये बात जो कही थी ना, 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो उसी में एक माँ की मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता बंदा, तो मोहब्बत 70 माह की मोहब्बत, तो इस वजह से एक फ्रेम में उस बात को रखा गया था। अब खुदा जो है ना हमसे इतनी मोहब्बत का, बदकार है, हम गुनाहगार है, लेकिन वो हमारे गुनाहों को माफ करके हमें हर चीज दे रहा होता है, सुबह का नाश्ता दे रहा है। हमारी इतनी औकात नहीं है शोएब भाई कि हम नाश्ता कर सके, वो नाश्ता हमें करवा रहा है, दिन का खाना खिला रहा है, अच्छे कपड़े पहना रहा है, ठीक है। अगर हम अपने गुनाहों को जांचने पे आ जाए ना कुछ भी ना, तो ये सब छिन जाए हमसे। अब ये सब छिनने के बावजूद भी हमारे पास इतनी भी तौफीक नहीं हो कि हम एक पत्थर को अपने जिसम में छुपा सकें अपने आप। हम इतने गुनाहगार इंसान हैं अगर हम अपने माजी को तराशें। तो मौलाना रूम की ये बात मुझे बहुत हिट करती है। और जब वो खुदा देने पे आता है ना, तो पूरा गुलदस्ता तैयार नहीं बैठा रहता है, और हम वो एक गुलाब के फूल के लिए लड़ रहे हैं कि हमें एक गुलाब का फूल चाहिए। तो इसी तरीके से एक लाइन मुझे याद आई, अच्छा ये एक मेरी अपने जोन की, मैं अपने जोन पे वापस आता हूँ, जोन का मतलब ये होता है कि यार मैं अपने लाइफ में वापस आता हूँ। तो उस पर एक लाइन मैंने लिखी थी कि कोई और है, इस चीज़ को आप पकड़ लीजिएगा कि कोई और है, तो आप पहुँच जाएंगे। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ कि होता ना कि यार एक जब लड़की किसी से मोहब्बत करती है, अच्छा ये मैं जिसके लिए शायरी लिखा हूँ ना, तो वो इस चीज़ से कनेक्ट कर लेगी 100%। अगर वो ये पॉडकास्ट देखेगी तो वो इस चीज़ से कनेक्ट कर लेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड उसी की थी, वही देखेगी उसकी उसकी जो शायरी थी ना,
मैंने जो शायरी लिखी है ना उसने मेरे नाम का इनिशियल एफ एफ से फैजान, आप लोग फैजी के नाम से जानते हैं, वैसे मेरा नाम पूरा फैजान है, तो वो एफ उसके बाद उसका नाम था, ठीक है, तो इनिशियल मैं उसके नाम का इनिशियल भी नहीं ले सकता, ठीक है, तो आप कुछ नाम सच में मुझे भी नहीं पता है, नाम किसी को भी नहीं पता मेरे घर वालों के अलावा, ठीक है, हाँ एक बंदे को पता है जो बिहाइंड द कैमरा है, वारिस, तो वारिस वैसे मैं यही अपील करूँगा तो खामोश रहना खुदा के वास्ते, खराब नहीं करना, तो लाइन मैंने कुछ यूँ लिखी थी, अच्छा मेरी दुआ ये है कि, और मैं वारिस भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पोइट्री की मेरी अलग से एक वीडियो बना दें आप, ठीक है वारिस भाई, ताकि ये पोइट्री मैं अपने स्टेटस पे भी लगाऊँ ताकि उस तक पहुँचे हर हाल में, इंस्टा रील भी लगेगा मेरा भी और फेदी भाई का भी, बस वो पहुँचाना है, स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से है, सबर वो कैमरा ऑन कर, अच्छा वो कैमरा ऑन कर, चले वो कर लें, अरे मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा ना कि हो जाए, पर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यार उस तक पहुँच जाए, आपके जरिए पहुँच जाए, YouTube के जरिए पहुँच जाए, आपके जरिए पहुँच जाए, किसी तरीके से ही पहुँच जाए, तो शायरी के स्टार्ट कुछ इस तरीके से है कि तुझे इश्क करके देख लिया अब अंजाम कोई और है, मैंने आपसे कहा था ना कि कोई और को आप पकड़ लीजिए आप पहुँच जाएंगे, क्योंकि यार कोई भी अगर लड़का या लड़का लड़की है ना, लड़की अगर लड़का है ना तो वो लड़की के हाथ में वो अपने नाम की एक मेहंदी देखना चाहता है, तो मेहंदी के नाम से आपके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई, ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिखा था कि तुझे इश्क करके देख लिया अब अंजाम कोई और है, तुझे बना पाए खो दिया अब अंजाम कोई और है, कि तुझे इश्क करके देख लिया अब काम कोई और है, तुझे बिना पाए खो दिया अब अंजाम कोई और है, हम छपवाना चाहते थे अपना नाम तेरी मेहंदी में, और हम छपवाना चाहते थे अपना नाम तेरी मेहंदी में, अब उन हाथों में ढूंढता मेरा नाम कोई और। अरे हाय क्या खूबसूरत लाइन लिखी फैजी भाई, एंड हो गया ये, अच्छा ये लाइन मेरी पर्सनल स्टफ है, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा यार आपने ये लाइन, इसके बाद भी कुछ इस तरीके, अच्छा एक 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 स्टोरी में मैं शेयर करता चलूं कि एक थ्योरी है लव स्टोरी में कि जो मोहब्बत होती है ना, और मोहब्बत में किस हो जाता है, माथे पे हो काल पे हो कुछ भी हो इसमें कुछ भी हो गलत माइंड नॉट गलत माइंड की बात नहीं, जो मोहब्बत करते हैं लौंडे वो समझ जाएंगे, ठीक है, तो जो थ्योरी है ना वो एक लड़के को पहला स्टेज क्लियर करना पड़ता, तो मेरा सीन कुछ और था, उसमें लड़की ने पहला स्टेज कंप्लीट किया था, तो किसी तरीके से हुआ था, अब शायरी देखें जैसे अपना वारिस भाई ने शाहरुख सिद्दीकी साहब का जो पोइट्री लिखी थी बहुत ज़बरदस्त पोइट्री थी वो बहुत ज़बरदस्त, और उस पर ही मैंने ये लाइन लिख के रखा हुआ था काफ़ी पहले कि मुझे इश्क करते हुए घबराए पहले तुम ही थे, मुझसे इश्क करते हुए घबराए पहले तुम ही थे, हमारी मोहब्बत पे पहले शर्माए तुम ही थे, मुझसे इश्क करते हुए घबराए पहले तुम ही थे, हमारे मोहब्बत में शर्माए पहले तुम ही थे, और ये माना तुम्हें बाहों में पहले मैंने भरा था, और ये माना तुम्हें पहले बाहों में मैंने ही भरा था, पर मेरे होंठों के नज़दीक पहले आए तुम ही थे। ओहो ये लाइन की स्टोरी कुछ इस तरीके से कि मैं उसके साथ जब एक पार्क में बैठा हुआ था कि वो शाम मुझे याद नहीं जो मैंने कम्प्लीट की, तो मैं उसके साथ पार्क में बैठा था, उसके साथ कुछ और उसके मेरे भी दोस्त वगैरह, उसके कुछ दोस्त वगैरह कपल्स वगैरह थे मौजूद, तो सारी एक ग्रुप पूरी ग्रुप साथ में थी हमारी, तो कुछ कहानी इस तरीके से हुई थी कि यार उसके एक दोस्त ने ये बात कही कि तुम्हें पता है कि मुझे फला बंदे ने आपने केस किया था, और तो इस वास्तव में जिकर ये काफ़ी घबरा गई, आउट ऑफ प्लेस हो गई एक तरीके से कि यार ऐसा तो कभी हमारे बीच में हुआ नहीं, तो इसने भी झट से एक बात कह दी, भले ही झूठ कह दी कि हाँ फैजी ने भी ऐसा किया था इस वर्ष सोम मैजिक, मैंने उसको बाद में बोला मैंने कहा ऐसा कब, मैंने कब किया, मैंने तो किया नहीं ऐसा, जाते ना किया नहीं, मैंने ऐसा किया भी और ना ही मेरा इरादा था ऐसा कभी करने का, जैसे अभी शाहरुख सिद्दीकी का वारिस भाई ने भी बोला था कि मेरा इरादा गलत नहीं है, तो मैं कभी उसके होठों के करीब ही नहीं गया, तो मेरा इरादा कहाँ, मैं तो सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ करने का कभी, तो इसी पे फिर मैंने मुझसे इश्क करते हुए घबराए पहले तुम ही थे, तो ये लाइन मैंने वहीं पे लिखी थी, और
ये बात मैंने वहीं पे लिखी हुई थी, ये पूरी पोएट्री मैंने वहीं पे लिखी हुई थी, और ये लाइन मेरी एक रियल लाइफ स्टोरी है, और वो शाम मुझे याद नहीं, वो भी मेरी पर्सनल स्टफ़ है। सिगरेट वाला जो स्टफ़ है वही मैंने आपको खुल के बता दिया कि सिगरेट वाला स्टफ़ भी मेरा अपना है, और इस तरीके से बहुत पोएट्री लिखी हुई है। और एक बहुत अच्छा सा शायर है, उसके बाद में उसके बाद आपको जो दो तीन सवाल रह गए आपके, वो आप सवाल कर लेना, कोई इशू नहीं है। मुझे पता है ये पॉडकास्ट थोड़ी लंबी हो जाती है, मैं इस वजह से मैं आपको पहले ही बोला था कि अभी बहुत कुछ है कहने को, बहुत कुछ है कहने को, कि बस सुनने वाले मुझे मिलने चाहिए। इंशाल्लाह मिलेंगे जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेंगे। तो एक छोटी सी शायरी है और बहुत ज़बरदस्त है, कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए हमें इतनी तो हिम्मत चाहिए। खूबसूरती को समझे आप, खूबसूरती को समझे, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए हमें इतनी तो हिम्मत चाहिए, और कम से कम हमने छुपा ली सिगरेट तुझे आता देख के, कम से कम हमने छुपा ली सिगरेट तुझे आता देख के, इस लड़के से तुझे और कितनी इज्जत चाहिए। अरे हे, ये लाइन काफी अच्छी थी। ठीक है शिव भाई, तो फिर आप सवाल कर रहे हैं, आपको क्या करना है? फिर भाई पॉडकास्ट काफी लंबा हो रहा है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इन शॉर्ट आप शॉर्ट में आंसर दें उनका, तो इस पॉडकास्ट को हैंग करेंगे। आजकल की जनरेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप पेरेंट्स के बारे में, और बस आजकल की जनरेशन के बारे में क्या कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स के बारे में क्या कहना चाहता हूँ, इसमें एक इंक्लूड और कर लेते हैं शिव भाई, जिंदगी के बारे में, जिंदगी के बारे में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल मैंने आपसे पॉडकास्ट के शुरू में ही बात कही थी कि जिंदगी के बारे में, जिंदगी के मुताबिक शॉर्ट मारिएगा, काफी शॉर्ट, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट कर दो, लेकिन आपको पता है कि मैं थोड़ा ज्यादा नहीं, मैं 5 से 10 मिनट में लूंगा आप लोगों का, उसके बाद फिर मुझे भी काफी लेट हो रहा है, मैं भी निकलूंगा घर। और बहुत आपने पहला सवाल क्या किया मुझसे कि आज की जनरेशन के बारे में, जनरेशन के बारे में देखें, एक ही बात बोलूंगा ना कि बहुत खूबसूरत बात जो मैंने अभी हाल फिलहाल आपसे ये बात भी कही थी अपने शॉप पे बैठ के, आप आए थे मुझसे मिलने के लिए। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता चलूँ, ये कोचिंग जाने से पहले बताते ना कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, फिर मैं वहाँ से कोचिंग चलूँगा, ये डायरेक्ट मेरे पास आते हैं आके मेरे पास बैठते हैं, आधा घंटा मेरे साथ बैठे रहते हैं ये, फिर हम डिस्कस कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों के बारे में, तो हम नॉर्मली भी हम ऐसे ही बात कर रहे होते हैं जैसे हम अभी बात कर रहे हैं स्ट्रीम के दौरान। तो उस टाइम भी मैंने ये बात कही थी कि हमारे जनरेशन के बारे में, पहली चीज़ तो यार ये कि जनरेशन के बारे में, कि जनरेशन में जो सबर का मादा है ना वो खत्म ठीक है। और मैं पर्सनली क्या कहना चाहता हूँ अपनी जनरेशन से ना, वही कहना चाहता है कि यार थोड़ी हार्श है और थोड़ी तकलीफ देह होगी उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा क्लोज रखते हैं हर किसी को। तो एक बात हमेशा याद रखना, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे कि 2023 स्टार्ट होने वाला है, 2 महीने रह गए, 2022 ख़त्म होने में, ठीक है। हर वो रिश्ता जो आपको खुशी नहीं देता, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो मोहब्बत का हो, चाहे वो ख़ानदान का हो, चाहे वो रिश्तेदार का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो आप किसी भी लाइफ में कोई भी चीज़ हो, अगर आपको खुश नहीं रखता तो लात मारो ऐसे रिश्ते को, कुत्ता पाल लो, वो दोस्ती और वो रिश्ते ना पालो जो आपको डिप्रेस रखता है। क्योंकि इन दी एंड टाइम इज मनी एंड मनी वी डोंट हैव, ये बड़ी अच्छी बात, काम की बात हो बस अपना काम करो आप दिल लगा के, आप अकेले काम करना चाह रहे हो, बिजनेस है आपका या पूरी टीम है आपके साथ। क्योंकि डिवाइन ने एक बहुत मशहूर एक रैपर है इंडिया का, उसने एक बात कही थी, बहुत खूबसूरत बात कही थी उसने, कि हार से जीत तक हम तो बने घसीट कर, पैर चले इतना पर आज नहीं तो कल, काम बोलेगा चीख कर। वाह, तो हाँ उसका ये मैं सुना था। अब उसने ये बात इसीलिए कही ना कि यार लात मारो सब, आप जो काम है आप अकेले रहना चाहते हो अकेले रहो, या पूरी टीम है आपके साथ, अगर वो काम आपको खुशी दे रही, वो टीम आपको खुशी दे रही तो साथ में रखो, नहीं दे रही लात मारो, अपनी जिंदगी में बोझ नहीं बनाओ किसी को। पहली चीज तो ये हो गई हमारी नई जनरेशन के बारे में, ये बात हो गई, ठीक है। जिंदगी के बारे में अगर आप सवाल करना चाह रहे हैं ना, तो जिंदगी कैसे गुजरती है
आपका कहने का मतलब मैं समझ चुका हूँ। जिंदगी आपके मुताबिक नहीं गुजरती, जिंदगी मेरे मुताबिक नहीं चलती, जिंदगी मेरे माँ बाप के मुताबिक नहीं चलती, जिंदगी अल्लाह के मुताबिक चलती, जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के मुताबिक जैसे अल्लाह ने लिख दी हमारी जिंदगी वैसी ही चलती है। आपको भी पता जिंदगी कैसी है, ठीक है? तो इससे बहुत पहले मैंने अपने दुख दर्द में ये लाइन लिखी थी कि कभी ना मिले मर्जियों से, कि कभी ना मिले मर्जियों से, जिंदगी ने जो बांटे पत्ते वो खेले जा रहा हूँ, गिरा के ख्वाब के मकान महल बना रहा हूँ। जब आप हारते हो तो आप छोटी मोटी चीज़ों से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, आपको खुशी नहीं मिलती, आप बड़ा करना चाहते हो। आप फर्स्ट ईयर में फेल हो गए तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर साथ में क्लियर करना, वैसे ना कुछ भी हो जाए कुछ भी, आप बड़ा करना चाहते हो। गिरा के ख्वाब के मकान महल बना रहा हूँ, दर्द जो भी मिला है उसे बेचे जा रहा हूँ, कि दर्द जो भी मिला है उसे बेचे जा रहा हूँ, जिंदगी के दर्द को किताबों में खुरेदे जा रहा हूँ। सड़क छाप गालिब ना मैं किसी के मुखालिफ, दर्द जो भी मिला उसे बेचे जा रहा हूँ, गिरा के ख्वाब के मकान महल बना रहा हूँ। तो जिंदगी ऐसी है भाई, आपको जो दर्द मिला उसको बेचो, आगे बढ़ो, सेल करो, अपना मंजन बेचना शुरू कर दो। क्योंकि जिंदगी आपके मुताबिक नहीं गुजरती, जिंदगी खुदा के मुताबिक, आपको जो अल्लाह ने जिस पर्पज के लिए भेजा है ना उस पर काम करना शुरू कर दो। तो और दूसरी बात है पेरेंट्स की ना, तो पेरेंट्स के लिए मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखिए बहुत शॉर्ट में बात करता हूँ मैं आपसे, बहुत शॉर्ट में बात करता हूँ कि खानदान में नजर रख के बैठे हुए घर पे बेटी को सेक्रीफाइस नहीं करना, ठीक है? माँ डिप्रेशन में, बाप मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी अगर आप लौंडे को जीतना नहीं सिखा रहे हो तो कम से कम हार को फेस करना तो सिखा दो ना, लौंडों को हार को फेस करना सिखा दो। कि खाबते समेटे मैंने रात से निकाल कर, वो हसरतों से देखते वो अजीब वो ख्याल थे, मैं गुर्बतों की क्या बताऊं जो गुजरे मुझ पे हाल थे, मैंने रख दिया, मैंने बेच दिया वो सब कुछ जो रखता था मैं संभाल के। कि उन्हें बताओ, उन्हें समझाओ कि वो क्या है जो नहीं है मुझ में, हर शख्स की बेवफाई रही है मुझ में और ये समझाने वाला कोई भी नहीं छुपा है। हमारे पेरेंट्स को इन चीज़ों को समझना चाहिए कि अगर लड़का अगर तन्हाई पसंद हो गया ना तो कितनी चीज़ें अपने अंदर लेके बैठा हुआ है। सही बात है, ठीक है? अब जैसे मैंने पोइट्री स्टार्ट की थी ना, मैं अपनी पर्सनल स्टफ ऐड करना चाह रहा हूँ। जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था, जैसे आपने एक सवाल किया कि इन सबके पीछे कौन है उसका नाम पता है, तो मेरे घर वालों को पता था कि हाँ ठीक है ये लिख रहा है कुछ लिख रहा है। उस समय ऐसा होता था कि यार मैं जो ना किसी लड़की के नज़रिए से भी लिख देता था, तो घर वालों को फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं लिख रहा हूँ किसी के लिए लिख रहा हूँ। फिर घर वालों को यकीन आया कि हाँ यार ये लड़का लिख रहा है, ये किसी के लिए लिख रहा है। पर समटाइम जब अब उन्हें भी नहीं पता कि किसके लिए लिख रहा है, और मैं अभी भी इस पॉडकास्ट पर उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसने जब वो मेरे साथ थी और उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और वो हमेशा मेरी तारीफ़ की है लिखावट की, तो उसने भी मुझे बहुत स्पेशल फील कराया है एक वक्त में, तो उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए। तो ये सारी बातें और खैर आपको एंड करना है तो एंड करते हैं इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो हमने बातें की है वो समझ आई होगी, तो कमेंट्स ज़रूर करना आप लोग। तो आज का पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं, जो आप लोगों की दूसरी डिमांड होगी तो इंशाल्लाह उस पर भी एक पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है? तो फैजी भाई आपका तो सबसे पहले शुक्रिया, आपने टाइम निकाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभ भाई। अच्छा माजब के साथ मैं इसकी एंड भी उसी तरीके करना चाहता हूँ जैसे लास्ट टाइम मैंने अपना पॉडकास्ट पे किया। और हमारे वारिस भाई की एक डिमांड है, पर्सनल डिमांड है उनकी, कि मैं जो अपने बारे में स्टफ लिखा हूँ, वारिस भाई आपने कौन सी कही थी पोएट्री में जो वो तीन कैमरे वाले हैं या फिर जो जो मैंने अपनी पर्सनल स्टफ लिखी है वो अभी अब तुम वापस आना मत, तुम वापस आना मत। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं, बस ये समझे कि हमारा वाइंड अप हो रहा है एक बहुत खूबसूरत पोएट्री के साथ। और मैं शेब भाई से ही कहूँगा, शेब भाई अपना मोबाइल आप वारिस भाई को दे दें ताकि वो एक अलग से वीडियो शूट कर लें। तो और वारिस भाई आपसे बस एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अच्छा ये पॉडकास्ट समझिए एंड हो गया मुझे उठ के जाना पड़ेगा। तो
ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी लिखी हुई ना जो रियलिस्टिक है, जो मैंने अपनी बातों में कह ली। ठीक है, तो आप शायद उसे कनेक्ट कर पाओ, आप समझ पाओ। एक होता ना यार, एक दिल और दिमाग की जंग होती है। ठीक है, आप जब लड़की को छोड़ते हो ना, तो आप उसे कहते हो कि अब मेरी जिंदगी में वापस आना। तो मैंने उसी लिए लाइन लिखी है कि अब स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से कि तुम्हें मुझे छोड़े हुए कुछ 2 महीने 18 दिन हो चुके हैं, कि तुम्हें मुझसे छोड़े हुए 2 महीने 18 दिन हो चुके हैं। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, 2 महीने 18 दिन हो चुके हैं, तुम्हें मुझे छोड़े हुए कुछ 2 महीने 18 दिन हो चुके हैं। इन लम्हों में हम और भी लड़कियों की बाहों में मदहोश हो चुके हैं। ये गलत नहीं तुम्हारी याद आती नहीं है, ये गलत नहीं तुम्हारी याद आती नहीं है, हाँ लेकिन सुबह शाम आती नहीं है। अब मेरे पास कागज है कलम है, तुम्हारी यादों की शायरी है। अब मेरे पास कागज है कलम है, तुम्हारी यादों की शायरी है। दिल में बुझ चुकी आग को फिर से जलाना मत, अब मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, अब मेरी जिंदगी में वापस आना मत। हाँ वो वक्त जरूर याद आता है जब तुम मेरे साथ थे, खुशियों से भरे हम दोनों के हालात थे, वो मीठे मीठे मेरे वो खट्टे खट्टे तेरे प्यार के जज्बात थे। पर अब हवाओं में वो बात नहीं है, मेरे हाथों में तेरा वो हाथ नहीं है। वाह। पर इसमें मेरी कमजोरी समझकर मुझसे बात बढ़ाना मत, जो कमाल कभी दिखाया था फिर से दिखाना मत। वाह। अब मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, अब मेरी जिंदगी में वापस आना मत। इसी के साथ एंड करते हैं, क्योंकि ये पोएट्री काफ़ी लंबी है। अगर लोगों को सुनने की ख्वाहिश होगी तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरा, फिर मैं कमेंट्स कर दूंगा आपको। तो आप ये तकरीबन 8 से 9 मिनट की ये पूरी पोएट्री है, काफ़ी लंबी काफ़ी लंबी है। तो ये मैं पर्सनल है, पर मैं कर दूंगा इंशाल्लाह 3-4 दिनों के बाद। मैं एक इंस्टा पर लाइव करने वाला हूँ, तो आप इंस्टाग्राम हैंडल मेरा भी है, शेम भाई का भी है, दोनों का इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा आपको नीचे। आप लोग ज्वाइन करें, आप लोगों को मोहब्बत मिलेगी वहाँ पर। हम लोग आते रहते हैं लाइव, और हम अक्सर लाइव आ रहे होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया शेम भाई आपका, और इतनी लंबी चली गई। अब मुझे एक बात याद आ रही है कि लास्ट पोस्ट कास्ट में मैंने ये बात बोली थी कि यार देखो शाहरुख खान की, अब मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं कोई देखेगा या नहीं देखेगा। अच्छा कमेंट्स आने वाले काफी, और चले इसी के साथ एंड करते। फिर भाई आपको तो सबसे पहले शुक्रिया, काफी ज्यादा लेट हो गया, इन्होंने टाइम निकाला, और वारिस भाई आपका भी, तो वारिस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से भी दिल से शुक्रिया वारिस भाई। तो एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।